व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब बारी आ गई है कि हम लोग एक बार अच्छे से कर लें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड उसके साथ साथ इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो मैं क्लिप्स कनेक्ट करके आपके लिए वीडियो ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि आप इन्हें डिटेल में पढ़ पाओ, क्योंकि इसे डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। मैंने बहुत डिटेल में अभी वीडियोज़ डाली थी 15 डेज बैक, तो आप आराम से इस वन शॉट को इन्जॉय करो, आराम से देखो, एक एक नोट ध्यान से बनाना, क्योंकि कल जब पूरे सिलेबस का वन शॉट आएगा, पूरे सिलेबस का वन शॉट बनाता हूँ मैं एक घंटे में, एक घंटे के अंदर अंदर बिजनेस स्टडीज़ का 60 मिनट्स का था, अकाउंट्स का 40 मिनट्स का था, तो कल जब पूरे सिलेबस का वन शॉट आए आप अच्छे से कर पाओ। बट उसमें मज़ा तब आएगा जब आपने ये वन शॉट देखा होगा। तो लगाओ इस पे लगभग 1.5 से 2 घंटे, 2x पे देखो तो एक ही घंटे में हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से करो और ये वाला पार्ट पूरा करो। एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड मैंने नया बना के कल ही डाला था, 15 मिनट का है, वो भी देख लेना, और यूनिट ये भी आपका कंप्लीट। तो चलिए लेट्स बिगिन। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। मैक्रो में से आपके पास दो यूनिट आ रही है, एक नेशनल इनकम और एक ये वाला यूनिट एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जिसमें एडी, एएस, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस यूनिट में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड को बड़े ध्यान से आपको समझना है, एक एक टॉपिक लिखते चलना, एक एक टॉपिक करते चलना और बहुत क्लैरिटी के साथ रिविजन करना अपना। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। एग्रीगेट डिमांड में हम क्या करेंगे, हम अपने देश के हर सेक्टर की डिमांड का क्या कर देंगे, टोटल कर दें। ठीक है, अगर आपको एग्रीगेट डिमांड निकालना हो तो एग्रीगेट डिमांड मींस एग्रीगेट यानी कि सम, सम ऑफ किसका सम करोगे, डिमांड का। कितने सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, चार। सबसे पहले हाउस होल्ड, हम लोग, फर्म्स, जो देखो हम लोग कौन है जो हम कंज्यूम करते हैं, फर्म्स कौन है जो प्रोड्यूस करते हैं, तीसरा गवर्नमेंट, ठीक है, और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। तो आपको बेसिकली क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड में चारों ही सेक्टर की डिमांड को जोड़ दो, उसको क्या बोल देते हैं हम एग्रीगेट। लिखो जी फटाफट से, एडी रेफर्स टू, जल्दी से मेन मेन डेफिनेशंस लिखवा दूंगा मैं आपको सारी। एडी रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एडी रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, आर प्लानिंग टू बाय, ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, at a given level of income during a period of one accounting year, during a period of one accounting year, यानी कि एक accounting year में सभी sectors of the economy जितने भी final goods and services खरीदना चाह रहे हैं, planning to buy, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, aggregate demand। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में हमारे पास बेटा चार कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बाद आप ये चार्ट बनाएंगे 1, 2, 3, 4, एग्जाम में भी आप चार्ट बना के आओगे। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के देर आर फोर कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, दूसरा कंपोनेंट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, तीसरा जी, और चौथा एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्या मैं इसको नेट एक्सपोर्ट्स बोल सकता हूं, क्या हम इसको नेट एक्सपोर्ट्स बोल सकते हैं? ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट या फिर हाउस होल्ड
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड आई स्टैंड्स फॉर क्या है जी? आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड में यही चार कंपोनेंट्स लिए थे, जीडीएनपी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसको आप आई बोलते थे, उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स, और उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अरे भाई, जितना खर्चा हो रहा है उतना ही तो डिमांड आ रही है। जब लोग पैसा लेके खर्चने के लिए जा रहे हैं उतना ही तो डिमांड हो रहा है, सीधी सीधी सी बात है। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि एडी अगर आपको कैलकुलेट करना है, यानी पूरी इकोनॉमी की डिमांड अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो चारों सेक्टर से होने वाली डिमांड को जोड़ दो। पहले वाले सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की डिमांड को क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इसमें सारा इन्वेस्टमेंट आ गया, टोटल जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो हाउसहोल्ड्स कर रहे हैं, चाहे वो फर्म्स कर रहे हैं, जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सरकार का फाइनल खर्चा। सरकार अपने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सारे लेबर को सैलरी वैलरी दे रही है, सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। और लास्ट कौन सा आता है? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट्स माइनस, चार एलिमेंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को बेटा याद रखना है कि क्योंकि हम एक टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, हम एक ओपन इकोनॉमी ना पढ़ के बस टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो अब आगे से आप पूरे चैप्टर में एडी क्या बोलोगे? बस सी प्लस आई। अगर एग्जाम में आ जाए कि कितने कंपोनेंट्स हैं एडी के, तब क्या बोल के आओगे? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन अब जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे कि एडी क्या है, एएस क्या है, तो बस याद रखना कि दो ही कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? सी प्लस आई। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि सिर्फ हाउसहोल्ड्स का और फर्म्स का। सर्कुलर फ्लो में भी हमने दो ही सेक्टर लिए थे, हाउस होल्ड और फर्म्स। यहाँ पे भी हम वही दो सेक्टर लेंगे, हाउस होल्ड और फर्म्स, ठीक है। अच्छा, एडी की डेफिनेशन तो हो गई। अब एडी को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ टेबुलर फॉर्म में चीजें समझनी है, यानी एक टेबल समझना है। टेबल हम कोशिश करेंगे कि तीनों चैप्टर में एक ही लेके चलें, तो जो मैं टेबल बना रहा हूँ वही टेबल आप पूरे तीनों चैप्टर में, इसमें भी, अगले में भी, उसके अगले में भी, तीनों में सेम टेबल लेके चलना। कौन सा टेबल है जी? सबसे पहले इनकम ले लेते हैं, 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। इसके बाद कंजम्पशन ले लेना, कंजम्पशन पहले 40, फिर 80-80 का डिफरेंस ले लेना, पहले 40 फिर 80-80 का डिफरेंस, 40 के बाद 80 का डिफरेंस लो तो 120, 200, 280, 360, ये हमारे पास कंजम्पशन आ जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर मुझे लेनी हो तो इन्वेस्टमेंट को बेटा हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, चीजों को सिंपल रखने के लिए इन्वेस्टमेंट को कैसा लेके चलते हैं? कांस्टेंट, यानी वो बार बार चेंज नहीं होगी, बस एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी उतनी ही इन्वेस्टमेंट हो रही है हर लेवल ऑफ इनकम पे, ताकि चैप्टर सिंपलीफाइड रहे, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट बदलेगी नहीं, इन्वेस्टमेंट भी बदलती है, बट चीजों को सिंपलीफाइड रखने के लिए आपके लिए क्या रखी गई है? कॉन्स्टेंट रखी गई है, ठीक है। तो ये हो गया इनकम। इनकम को क्या मैं वाई से भी डिनोट कर सकता हूँ? कंजम्पशन को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। इन्वेस्टमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से, ठीक है जी। यहां तक सारी चीजें लिख ली आप लोगों ने, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट ले लो, कांस्टेंट कितना? क्या आप एडी निकाल सकते हो? एडी कैसे निकलता है? सी प्लस आई, ऐड करते चलो, 40 + 20 = 140, 220, 300, 380, 465। ये आ गया बेटा, बड़े ध्यान से टेबल पे नज़र रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, पूरे चैप्टर में ये चलेगी। इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड, निकाल लिया आपने चारों चीज़ें, ठीक है। अब हम इसका कर्व बनाते हैं, ठीक है। इसका क्या बना रहे हैं? कर्व बना रहे हैं। Thank you.
मेरे ध्यान से इधर नजर रखना बेटा जी, अगर मेरी इनकम जीरो है, अगर मेरी इनकम जीरो है, क्या इन्वेस्टमेंट तब भी 20 थी, 100 में भी 20? मैंने कांस्टेंट रखी हुई है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब पहले मेरी इनकम ज्यादा होगी कम होगी, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वही कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। अब मुझे जाना है 520 तक, तो हम यहाँ पे कितना डिफरेंस लें, 80 का ले लें या 60 का ले लें? 60 ले लेते हैं, 6, 12, 18, 24, 360 के बाद 420, 480, बस 540 तक जाना था हमें, ठीक है। अब ध्यान से टेबल देखना, सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट ही ले लो, इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे 20 है, मेरी इनकम जीरो तो भी 20, 100 तो भी 20, इन्वेस्टमेंट 20 है, फिक्स्ड है। ध्यान से देखना, जीरो पे लगभग यहाँ पे 20, 100 पे भी 20, 200 पे भी 20, 300 पे भी, 400 पे भी, 500 पे भी, और यानी इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल स्ट्रेट आता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, तो हम बोलेंगे कि द नेचर इज ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, और वो हर लेवल पे सेम रहता है, रिजल्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का कर्व बना बेटा। इन्वेस्टमेंट के बाद हम कंजम्पशन का कर्व बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट के बाद किसका कर्व बनाएंगे, कंजम्पशन का। कंजम्पशन जीरो लेवल पे 40 है, सपोज यहां ले लो, जीरो लेवल पे कितना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी मेरी कमाई बिल्कुल शून्य है, जीरो, मैं कुछ नहीं कमा रहा, तो क्या मैं खाना बंद कर दूंगा नहीं। या कंजम्पशन तब भी होगा, आपकी इनकम जीरो है तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करेंगे। कोविड में लगभग सबकी कमाई जीरो थी, लेकिन कंजम्पशन तो हो रहा था ना, कहां से हो रहा था, पिछली वाली सेविंग्स में से हो रहा था, जो भी आपने पैसा जोड़ा हुआ आप वहां से कर रहे हो। इसको हम क्या बोलते हैं, सी बार। सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे पॉइंट चैप्टर में बहुत काम आएंगे। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी जो आपका कंजम्पशन होता है उसको क्या बोलते हो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये होगा ही होगा, आपकी इनकम जीरो है तब भी ये खर्चा होगा। जीरो पे 40 डिनोट कैसे करते हो, सी बार से, बोलते क्या हो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जीरो पे 40। उसके बाद 100 पे कितना आ गया जी, 100 पे 120, 200 पे 200 पे 200, उसके बाद 300 पे 280, फिर 400 पे, 400 पे कितना, 360, 500 पे ऐसे ही बस, 600 पे जो भी है, ठीक है। इस तरीके से ये कौन सा कर्व बन गया, कंजम्पशन का कर्व बन गया, ठीक है। ये कौन सा कर्व बन जाता है, कंजम्पशन का कर्व। अब मैं आपसे पूछूं कि कंजम्पशन का कर्व कैसे है जी, कंजम्पशन का कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, कंजम्पशन कर्व इज अ अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व, ये एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व है। ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, व्हाई दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग, कोई भी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्लास 11 में सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता था, क्यों ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप यानी दो चीजें एक डायरेक्शन में जा रही है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है तो इनकम के साथ कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। जब भी आपको पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा, कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ये जीरो से 100 हुआ तो ये भी 40 से 120 हो गया, ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए तो ऊपर की तरफ जा रहा है, दो चीजें हैं इसके पीछे, याद रखना, दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप। स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि इसके बीच का जो चेंज है वो सेम है, जो प्रोपोर्शनेट चेंज है वो भी कॉन्स्टेंट है, दैट इज वाई वो स्ट्रेट लाइन है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे, पहला क्वेश्चन की अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, और दूसरा वो बोलेगा कि वो स्ट्रेट लाइन क्यों है, बिकॉज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन कंजम्पशन इज कॉन्स्टेंट एट एवरी लेवल, ठीक है। जो प्रोपोर्शनेट चेंज है वो भी कॉन्स्टेंट है हर लेवल पे, दैट इज वाई वो स्ट्रेट लाइन है, सही है। अब मैं आपको बोलूंगी एडी प्लॉट करो, क्या एडी सी प्लस आई है, एडी कितना है, सी प्लस आई, दोनों को जोड़ दो तो 40 प्लस 20 कहां से शुरू होगा,
60 से शुरू होगा। अगर मैं यहाँ पे AD का कर्व बनाऊंगा ना बेटा, तो बिल्कुल इसके साथ पैरेलल ये AD बन जाएगा, बिल्कुल इसके साथ पैरेलल कर्व बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा कर्व, AD का कर्व। ठीक है, AD का कर्व ऊपर क्यों आया, Why AD curve is upward sloping? Same, अभी तो बताया कोई भी curve ऊपर जाएगा positive relation की वजह से। देखो income बढ़ रहा है तो AD भी बढ़ रहा है, और straight line क्यों आया, क्योंकि उसमें भी जो difference है वो constant है, that is why वो straight line आया। तीसरा सवाल यहाँ से क्या बनता है बेटा, तीसरा सवाल बनता है कि AD और C दोनों parallel होंगे क्या हमेशा, क्या AD और C हमेशा पैरेलल होंगे? जी हाँ, वो हमेशा पैरेलल होंगे। पैरेलल क्यों होंगे? क्योंकि AD और C के बीच में बस I है। AD और C के बीच में क्या है? I, और I हमने कांस्टेंट लिया है 20, 20, 20, तो इसके बीच का डिस्टेंस भी हमेशा 20 तो रहेगा। देखो 40 और 20 तो 60 हुआ हमेशा। देखो आप खुद चेक करो AD और C के बीच का डिफरेंस, 40 और 60 के बीच का डिफरेंस 20, 120 और 140 के बीच का डिफरेंस 20, हमेशा इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 20, AD और C के बीच में हमेशा I है और वो कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई डिस्टेंस पैरेलल रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे के सारे। क्या आप लोगों को AD, C और I ये तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं? बड़ा सिंपल सा चीजें हैं। इसके बाद लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट AD कर्व, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट AD कर्व, AD कर्व के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो यहां से अगर तीन नंबर का सवाल बन के आ गया ट्रू फॉल्स की फॉर्म में कि बताओ ये सही है या गलत है, गिव रीजंस। याद रखना इकोनॉमिक्स में अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है तो बिना रीजन के एक भी नंबर नहीं मिलता। कहीं वहां लिखा हो हाँ ट्रू फॉल्स, तुक्का लगाया हो, नंबर मिले, कुछ नहीं मिलेगा। बिना रीजन के आंसर विल बी जीरो। ठीक है, लिखो जी पॉइंट नंबर वन, AD इज इक्वल टू, आप लोग आंसर करोगे AD इज इक्वल टू व्हाट, सी प्लस आई। फर्स्ट पॉइंट, AD इज इक्वल टू C प्लस I। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि AD इज द सम टोटल ऑफ C मतलब कंजम्पशन और I मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, AD इज इक्वल टू C प्लस I। दूसरा पॉइंट नंबर टू, देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव कंजम्पशन, देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव कंजम्पशन, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंजम्पशन होगा। देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव कंजम्पशन, देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम इज जीरो। हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंजम्पशन होगा इवन व्हेन द इनकम इज जीरो। जब भी बेटा इवन आपकी इनकम जीरो भी है, आप कुछ नहीं कमा रहे, तब भी कुछ ना कुछ खर्चा होगा। उस खर्चे को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर सी बार। ठीक है, ये याद रहे, ये वाला ये है ना, ये सी बार, ये वाला एरिया ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, नंबर तीन, पॉइंट नंबर थ्री, द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। बोलो बेटा स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, सी का स्लोप कैसा है, अपवर्ड। वेरी गुड, सी का स्लोप कैसा है, अपवर्ड। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व के आगे डैश करके लिख देना अपवर्ड। क्यों अपवर्ड है? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर, स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व, स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आई का स्लोप कैसा है, इसमें डैश करके लिख लो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों, रीजन, क्योंकि इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, हर लेवल ऑफ इनकम के साथ, एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, हर लेवल ऑफ इनकम के साथ ये कॉन्स्टेंट रहता है। था स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है, और वो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, रीजन, बिकॉज इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, नंबर पॉइंट नंबर पांच, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व, क्या एडी कर्व स्टार्ट होगा कभी भी जीरो से, एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो से स्टार्ट होगा? नहीं, इट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो।
ठीक है, ये कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। इसके बाद डैश करके लिख सकते हो आप, इट नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। रीजन, यस, कुछ ना कुछ कंजम्पशन भी होगी और कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी होगी, दोनों चीजें। इट नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ एडी कर्व, एडी का स्लोप कैसा बेटा, वो भी अपवर्ड स्लोपिंग, सेम टू सेम सी जैसा अपवर्ड स्लोपिंग। रीजन, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है ना, वो भी बिल्कुल सेम पॉजिटिव रिलेशनशिप, बिल्कुल सेम टू सेम, सही हो गया, परफेक्ट हो गया, स्लोप ऑफ एडी कर्व। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एडी, हमने एडी के बारे में बेटा सब कुछ पढ़ लिया। एक बार आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में हमने क्या पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड वॉज बेसिकली कि टोटल डिमांड इकोनॉमी में कितनी हो रही है, ठीक है। एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, चार। सबसे पहले हाउस होल्ड जो कंज्यूम करते हैं, फर्म्स जो प्रोड्यूस करती हैं, सरकार, गवर्नमेंट, और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। इन चारों सेक्टर्स की डिमांड का अगर आप टोटल कर दो तो उसी को आप एग्रीगेट डिमांड बोलते हो, ठीक है। हाउस होल्ड्स की डिमांड को हम सी से डिनोट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसको हम आई से डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट की डिमांड को हम जी से डिनोट करते हैं, और लास्ट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हम एक्सपोर्ट्स माइनस, यानी कि हम नेट हमारी इकोनॉमी में कितनी डिमांड चल रही है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करके, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। एडी के चार कॉम्पोनेंट्स आए, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बट जब हम अब चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में दो कॉम्पोनेंट्स मेन हैं, तो हम क्या बोलते हैं, एडी सी प्लस आई, ठीक है जी। उसके बाद आपने कर्व बनाया था, कर्व में आपने देखा था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग इस प्रकार से चलता है, ऐसी इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन बेटा, अगर मेरी इनकम जीरो है, क्या कंजम्पशन जीरो होगा, नहीं होगा। होगा क्या अगर मेरी इनकम जीरो है, कंजम्पशन नहीं। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी आप खाना तो खाओगे, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे, ऐसे कंजम्पशन को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। तो कंजम्पशन कर्व जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी यहाँ कहीं ऊपर से चलता है, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये कंजम्पशन हो गया, ठीक है। ये जो जीरो लेवल पे भी आपको कंजम्पशन दिखाई दे रहा है, इसी को हम सी बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, सही हो गया बेटा जी यहाँ तक, ये हमने पढ़ा था। अब मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को अगर ऐड कर दूं, C प्लस आई, तो क्या बन जाता है, बिल्कुल इसके ऊपर, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। उसके बाद हमने इनके स्लोप के बारे में पढ़ा था, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव स्लोपिंग अपवर्ड, ये भी पॉजिटिव स्लोपिंग अपवर्ड, स्ट्रेट लाइन्स हैं ये, ठीक है। एक टेबल बनाई थी जिसमें आपने इनकम 0, 100, 200, 300 ली थी, कंजम्पशन 40, फिर 80, 80 का डिफरेंस, इन्वेस्टमेंट 20 लिया था, एडी सी प्लस आई, यही टेबल आपका पूरा चैप्टर में चलेगा, सही है बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, ओके। ये आ गया था आपका एग्रीगेट डिमांड, अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है जी। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है, डिमांड क्या होता था, इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबकी डिमांड को जोड़ दो एग्रीगेट डिमांड। सप्लाई क्या होता है, इकोनॉमी में जितने भी सप्लायर्स हैं उन सबकी सप्लाई को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई। अगर मुझे एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन करना हो बेटा, तो हम लोग बोलते हैं टोटल आउटपुट कितना है बाजार में, एग्रीगेट सप्लाई इज टोटल आउटपुट कितना है ना, इट रेफर्स टू व्हाट, टोटल आउटपुट इन एन इकोनॉमी जो कि सेल के लिए बाजारों में आया हुआ है, यही तो एग्रीगेट सप्लाई हुए, है ना। अब जो आउटपुट है बेटा, वो आउटपुट किसने बनाया, फर्म्स ने बनाया, फर्म्स को बनाने में किसने मदद करी, ये फर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल ये फर्म्स हैं, इन फर्म्स ने आउटपुट जनरेट करा, ये आउटपुट जनरेट किसने करवाया, क्योंकि हाउस होल्ड ने इन्हें अपनी क्या दी थी, फैक्टर सर्विसेज, तो जितना भी ये आउटपुट बना इसकी वैल्यू ये इन्हें पे बैक करते हैं या नहीं करते हैं, है ना, इसका वैल्यू ये क्या करते हैं, इन्हें पे बैक करते हैं, किस फॉर्म में, फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में, राइट। तो फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में बेटा इनके पास पैसा पहुंच गया, तो जितना पैसा पहुंचा उस वैल्यू का ही तो ये आउटपुट हुआ या नहीं हुआ,
हुआ या नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जितनी सप्लाई है वो इनकी इनकम के बराबर हो गई या नहीं हो गई, है ना। अब अगर सबकी इनकम जोड़ दूँ तो बेसिकली नेशनल इनकम बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, नेशनल इनकम। अगर आपसे कोई भी पूछे कि एएस और इनकम बराबर होता है क्या, हम बोलेंगे हाँ, ठीक है, एएस और नेशनल इनकम बिल्कुल बराबर है जी, एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब एक चीज और देखते हैं, अगर मैंने पैसा कमाया, मेरे पास इनकम आई, तो मैं उस इनकम को क्या करूंगा, इट इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड। या तो आप कंज्यूम कर लोगे, खर्च कर लोगे, या आप फ्यूचर के लिए सेव कर लेंगे, यही तो करते हो आप इनकम का। पैसा किसी के पास भी आए, इट इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड, सीधी सीधी सी हिसाब किताब है। अब मुझे एक बात बताओ, हम कल वाले टेबल पे चलते हैं, बड़े ध्यान से समझना बेटा। इनकम ली 0, 100, 200, 300, 400 और 500, यहीं तक ले लेता हूँ। कंजम्पशन पहले 40 और उसके बाद 80 का डिफरेंस, तो 40 के बाद 80 जोड़ दो, 120, 200, 280, 360, 440, इतना ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब सोचो बेटा, बड़े ध्यान से मेरी बात का जवाब देना, ये मेरी इनकम है, ये कंजम्पशन है, ठीक है, आपको सेविंग बतानी है। ध्यान दो, मेरे पास 500 रुपए की इनकम है जिसमें से मैंने 440 का खर्चा कर दिया, सेव कितना करा, 60 सेव करा। मेरे पास 400 की इनकम है, 360, 40 रुपए सेव करे, 300 की इनकम है, 20, 0, जब इनकम जीरो थी तब भी खर्चा करा था ना, उसको मैं डिस सेविंग बोलता हूँ, यानी नेगेटिव में जा रही है सेविंग, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा इनकम है, इट इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड, ठीक है या नहीं है, और जो इनकम है वो किसके बराबर है, एएस के बराबर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एग्रीगेट सप्लाई इज नेशनल इनकम इज सी प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई भी तो इनकम के बराबर है, और इनकम को या आप कंज्यूम करते हो या आप सेव करते हो, दोनों को जोड़ दो तो एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई के हमारे पास सी और एस ये है, दोनों को जोड़ दे, जोड़े ऐड करो जरा, 40 माइनस 40 इज 0, 120 माइनस 20 200 प्लस 0 280 प्लस 20 360 प्लस 40 440 प्लस 60 500। अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो क्या AS और इनकम बराबर आए या नहीं आए, तो यही तो कह रहा था कि AS किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर होता है। तो इनकम हमेशा किसके बराबर आएगी, AS के बराबर आएगी, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर मुझे इसे प्लॉट करना हो, अगर मुझे इसका कर्व बनाना हो तो कैसे बनेगा, ये हमने प्लॉट करना है, इधर AS ले लो, इधर इनकम ले लो, 0, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है, इधर भी यही लेना है, 100, 200, 300, 400, 500। बताओ, जीरो पे तो जीरो है, जीरो इनकम पे, AS है जीरो, जब इनकम 100 है तो AS भी 100 है, लो जी, जब इनकम 200 है तो AS भी 300 पे, 400 पे, 500 पे, क्या ये इस तरीके का कर्व बन जाएगा, क्या AS इस प्रकार का कर्व बन गया या नहीं बन गया, ठीक है। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि AS का कर्व कैसा होता है, तो यह जीरो से शुरू करना और सीधा ऊपर ले जाना और बोलना कितना डिग्री का कर्व होगा, 45 डिग्री का कर्व होगा, कितना डिग्री का कर्व होगा, 45 डिग्री का कर्व होगा। ये 45 डिग्री का एंगल ही क्यों होगा, ये सर्कल है, मतलब थोड़ा सर्कल जैसा है, ये पूरा का पूरा 360 होता है, ठीक है, जिसमें 90 ये 90 ये 90 ये 90 ये। अब अगर मैं इन तीनों को हटा दूं तो क्या हम कर्व बस इसमें बनाते हैं 90 डिग्री में, हम कर्व कितने डिग्री में बनाते हैं, 90 डिग्री में। अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल एरिया 90 डिग्री है, ठीक है, इधर इनकम लिया, इधर AS लिया, जितना वैल्यू इधर है उतना ही इधर है, ठीक है या नहीं है। अगर इधर 100 है तो इधर भी, इधर 200 है तो इधर भी, इधर 300 तो इधर भी, दोनों को बराबर बराबर डिवाइड करना है। तो अगर 90 को बराबर बराबर डिवाइड करना हो तो क्या 45 45 नहीं कटेगा, दैट इज़ वाई ये लाइन हमेशा कितनी डिग्री की होगी, 45 डिग्री की,
बात समझ गए, क्योंकि इनकम और एएस हर लेवल पे क्या होता है, बराबर होता है, तो हमें हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस चाहिए ना। तो अगर 45 इधर है तो 45 इधर है, तो ये कर्व हमेशा कितना डिग्री का रहेगा, 45 डिग्री का रहेगा, ये चीज़ याद रहेगी। तो एएस के बारे में बस इतना सा ही, एक छोटी सी चीज़ें होती हैं कि एएस किसके बराबर होगा, सबसे पहले नेशनल इनकम के, जैसे एडी के दो कॉम्पोनेंट कौन कौन से थे, सी प्लस आई, वैसे ही एएस के दो कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं, सी प्लस एस। और उसके बाद टेबल देखो वही चली, बस इनकम में से कंजम्पशन माइनस करा, क्या निकल गया, सेविंग्स, और उसके बाद एएस निकाला और ये कर्व बना दिया जी। ठीक है, ये आपके बेसिक नोट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए फ्रॉम एएस। ठीक है, सबसे पहले ये टेबल बना लो, ये कर्व बना लो, उसके नीचे ये लिखना एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, ये लिखना, और इसके बाद मैं इसके आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ए एस एएस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है जी, सबसे पहला पॉइंट, एएस इज इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम, एएस इज इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम, एएस किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर होता है। पॉइंट नंबर टू एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, AS is equal to national income is equal to C plus S, where C is equal to consumption and S is equal to savings, where C is equal to consumption and S is equal to savings, यानी जो income है उसके दो components हैं, या consumption या savings। ठीक है, point number 3, AS curve or y is equal to c plus s line, AS curve or y is equal to c plus s line is a 45 degree line, is a 45 degree line, वो हमेशा बेटा कौन सी लाइन होगी, 45 degree line। 45 degree क्यों होगी, क्योंकि हमें हर पॉइंट पे दोनों तरफ इक्वल एरिया चाहिए। ठीक है, इक्वल पॉइंट्स चाहिए। ठीक है बेटा जी, ये आपको क्लियर हो जाता है, सही हो गया ये हमारे पास। अब आपने एडी के बारे में भी पढ़ लिया, अब आपने एएस के बारे में भी पढ़ लिया। अब जो हम टॉपिक करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पक्का आएगा क्वेश्चन इस पे से। टॉपिक का नाम है कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये, मजेदार, समझने वाला टॉपिक, रटने वाला नहीं है बिल्कुल भी। कंजम्पशन फंक्शन या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है जी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है बेटा एबिलिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब एबिलिटी, मतलब हम इस फंक्शन में ये जानना चाह रहे हैं कि एक इंसान की इनकम कितनी है, ठीक है, और उसका क्या रिलेशन है किसके साथ, कंजम्पशन के साथ। यानी अगर किसी इंसान की 100 रुपये की इनकम है और वो 70 रुपये खर्च कर ले, तो आप बता सकते हो कितना परसेंट खर्च करा, ये देखो नालायक, 70%, मतलब 100 रुपये इनकम है, 70 खर्च कर लिया, कह रहा 30% खर्च करा, सेविंग तो पूछा ही नहीं मैंने, 70% खर्चा हुआ या नहीं हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन में आप लोग बेसिकली रिलेशनशिप देख रहे हो किसके बीच में, कंजम्पशन और इनकम के बीच में। इकोनॉमिक्स में कहीं भी आप ये फंक्शन शब्द पढ़ो, फंक्शन मतलब रिलेशनशिप, फंक्शन का क्या मतलब हो गया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इनकम और कंजम्पशन में क्या रिश्ता है, ये चिंटी कितना खुश हुई, ठीक है क्या, सही, अच्छा चलो आ जाओ वापिस से, अभी कल समझाई तुम्हें एक बात ना लाएगा, इनकम का क्या रिलेशन है किसके साथ, कंजम्पशन के साथ। ठीक है जी, इसके बाद बेटा इसमें हम लोग लिखेंगे बेसिकली, पहले लिख लो एक चीज, कंजम्पशन फंक्शन इज, जल्दी से लिखना फटाफट, कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, कंजम्पशन फंक्शन इज
द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। अब क्योंकि मैंने डेफिनेशन में पहले कंजम्पशन बोल दिया तो फिर इसमें भी आप पहले क्या कर लोगे, कंजम्पशन कर लोगे। आप यहाँ पे इसे ऐसे लिख दोगे कि कंजम्पशन का क्या रिलेशन है किसके साथ, इनकम के साथ। अगर पहले इनकम लिख दोगे तो इनकम इधर कर देना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंजम्पशन का क्या रिलेशन हुआ किसके साथ, इनकम के साथ। ठीक है, यहाँ पे F का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, C का मतलब कंजम्पशन और Y का मतलब इनकम। सही हो गया बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग अब वापस से अपना वही वाला कर्व बनाते हैं, बड़े ध्यान से देखना। इनकम 0, 100, उसके बाद 200, 300, 400, 500 और 50। कंजम्पशन कितना कितना लेते हैं हम, 40, 120। लो जी, एक तरफ हमने इनकम ले लिया और एक तरफ हमने कंजम्पशन ले लिया। सही है बेटा। अब अगर आपको इन्हें प्लॉट करना हो, अगर आपको इन्हें प्लॉट करना हो तो आपको पता है कि इनकम तो मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ 45 डिग्री, फ्री हैंड बना सकते हो आप डायरेक्टली। इनकम का कर्व कैसा बन जाएगा, 45 डिग्री, बस याद रखना है ये। ठीक है, कंजम्पशन का कर्व बताओ बेटा, क्या जीरो से शुरू होगा या ऊपर से शुरू होता है, थोड़ा ऊपर से शुरू होता है। कंजम्पशन कर्व हमेशा कहाँ से शुरू होता है, ये कंजम्पशन बना दिया। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, कंजम्पशन, ये कंजम्पशन का कर्व है, ये इनकम का कर्व है। सही है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये वाला पॉइंट, क्या यहाँ पे इनकम बराबर कंजम्पशन होगा, मतलब जितना कमाया उतना ही खर्च दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन से पॉइंट पे होगा, ये ना, जितना कमाया उतना ही खर्चा कर दिया। इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इसी पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज एक्चुअली ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन बेटा कई जगह यूज होता है। मतलब जब हम बिजनेसेस देखते हैं तो हम बोलते हैं कि वो इंसान अपने ब्रेक इवन पे है। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हो गया कि जितना इनकम उतना कंजम्पशन, वहाँ पे क्या होता है जितना कमाया उतना खर्चा, वही तो बात है। ब्रेक इवन हो गया या नहीं हो गया, वही वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बोलता है, यहाँ पे एक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन है, 200 कमाया 200 ही खर्चा कर दिया, क्या सेविंग भी जीरो होता होगा, है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एक तो होता है कि इनकम बराबर कंजम्पशन हो और दूसरा क्या होता है, सेविंग कैसी हो, जीरो हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे योर इनकम इज इक्विवेलेंट टू कंजम्पशन एंड विच रिजल्ट्स इन जीरो सेविंग्स। सेविंग्स कैसी हो जाती है आपकी, जीरो हो जाती है, याद रहेगा बेटा ये पॉइंट। ठीक है, अब एक अगली पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम इस एरिया को क्या बोलेंगे। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इनकम तो आपकी यहां से चल रही है अभी और कंजम्पशन ऊपर है, यानी कि ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है ना। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, कंजम्पशन ज्यादा है तभी तो ये कर्व ऊपर है। खर्चा कहां से हो रहा है भाई, पुरानी सेविंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग्स। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग्स बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, फिर ब्रेक इवन आ गया, ब्रेक इवन के बाद यहां पे आपका कंजम्पशन कम है और इनकम ज्यादा है। देखो इनकम ज्यादा है या नहीं है, यानी कि अब इसके बाद इनकम ज्यादा हो गया कंजम्पशन कम हो गया, तो फिर इस वाले एरिया को क्या बोलोगे, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, सेविंग्स। इस वाले एरिया को क्या बोलना है, सेविंग। यहां पे आप पैसा बचा पा रहे हो, तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले कौन सा पॉइंट आएगा, डिस सेविंग्स वाला, उसके बाद कौन सा आएगा, सेविंग्स वाला, याद रखना ये पॉइंट्स। ठीक हो गया बेटा, अब इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ये बना लिया आपने साथ साथ। ठीक है, अब लिखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। अभी तक हमने एडी पढ़ा है, एएस पढ़ा है और अब ये वाला पॉइंट पढ़ा है कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले
Consumption curve starts from a point which is above origin. मतलब जो consumption शुरू होगा ना बेटा, वो कभी भी origin से शुरू नहीं होगा, origin के ऊपर से शुरू होगा, है ना? Reason? Because of autonomous consumption, ठीक है ना? Consumption curve starts from a point which is above origin. This is because of autonomous consumption. ये बेटा हमेशा किस वजह से? Autonomous consumption की वजह से. देखो consumption curve मेरा यहाँ ऊपर से शुरू हुआ because of C bar ना, ठीक है? अच्छा point number two. Slope of consumption curve, ये तो आपको पता है. Consumption curve का slope कैसा होगा? ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? ये वाला consumption curve positive sloping straight line है, ठीक है? अच्छा point number three. कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस slope of consumption curve आपको उसके बारे में explain कर देना, ठीक है? उसके बाद point number three. When income is less than consumption. जब इनकम लेस देन कंजम्पशन हो, बताओ इनकम लेस देन कंजम्पशन कब थी? ब्रेक इवन से पहले या ब्रेक इवन के बाद? पहले. ब्रेक इवन से पहले इनकम कम थी, कंजम्पशन ज्यादा था. तो ब्रैकेट में लिखना व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, ब्रैकेट में लिखो दैट इज बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, दैट इज बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट. ये जो गैप आया, ब्रैकेट क्लोज कर देना, ये जो गैप आया, इस गैप को क्या बोलते हैं? देखो दिस गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग्स. इस गैप को क्या बोलेंगे बेटा? डिस सेविंग्स बोलेंगे. दिस गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग्स. परफेक्ट हो गया बेटा जी. इसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा? पहले हमने इनके बारे में लिख दिया, क्या फिर ये आ जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? हाँ, ब्रेक इवन तो बाद में बोलूंगा ना. जैसे उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? व्हेन, जब यहाँ पे हमने क्या बोला था? व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन. यहाँ पे क्या बोलूंगा? लिखो पॉइंट नंबर फोर आएगा आई थिंक. व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन. अगर आपका इक्वल हो जाए इनकम और कंजम्पशन, दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. जल्दी से बताओ, एट दिस पॉइंट सेविंग्स इज जीरो. इस पॉइंट पे सेविंग कैसी होती है? जीरो होती है. इसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा? पॉइंट नंबर पांच बेटा यहां पे बताओ. व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, इसमें लिखेंगे व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन. जब इनकम ज्यादा हो कंजम्पशन से, दैट इज ब्रैकेट में लिखेंगे आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट. आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट दिस गैप इज कवर्ड बाय सेविंग्स. इस गैप को कवर करा जाता है सेविंग्स के थ्रू. दिस गैप इज कवर्ड बाय सेविंग्स. ये क्लियर हो गया बेटा, ठीक है? इसके बाद लिखते चलो बेटा साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस पूरे यूनिट में. ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, बाकी दोनों चैप्टर छोटे छोटे हैं. बस ये कर लो अच्छे से, बाकी सब हो जाएगा. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो प्रकार की होती है. एक होता है एपीसी, एक होता है एमपीसी, ठीक है जी? एक को बोलते हैं एपीसी, एक को बोलते हैं एमपीसी. एपीसी स्टैंड्स फॉर एवरेज, ये तो लिखा ही हुआ है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और एमपीसी स्टैंड्स फॉर
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ए शब्द में कहीं भी यूज करूं तो एवरेज, एम शब्द में कहीं भी यूज करूं तो मार्जिनल. क्लास 11 से पढ़ रहे हो आप, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, एवरेज प्रोडक्शन, सारे कॉन्सेप्ट वही है. वही मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, सब वही कॉन्सेप्ट है. एपीसी क्या होता है? एपीसी इज सी अपॉन वाई और एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. एपीसी सी अपॉन वाई, एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. ठीक है, दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है. एक है सी अपॉन वाई, एक है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. ठीक है, देखो हम बहुत सिंपल सी बात करते हैं कि हमारे पास एक चिंटू है, फुल खुश है क्योंकि ये कमा रहा है 1000 रुपये. इसकी इनकम कितनी है? इनकम इज डिनोटेड बाय वाई. कहीं पूछो ये वाई क्या है? वाई इनकम है. इनकम कितनी है इसकी? 1000 रुपये. और इसका जो खर्चा है, जो कंजम्पशन है, वो है मात्र 200 रुपये. कंजम्पशन कितना है? मात्र. अब मैं आपसे पूछूं कि इसने कितना परसेंट खर्चा करा? बोल 80%. कितना खर्चा करा? 20%. तो आपने 20% कैसे निकाला? जीरो पॉइंट टू जीरो बोल दूं. अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज बन जाएगी. उसको क्या बोल देंगे? 20%. लेकिन हमें परसेंटेज में नहीं लिखना, हमें एपीसी बताना है. तो एपीसी इज बेसिकली कुछ भी नहीं है कि इनकम में से कितना खर्चा कर रहे हो, ये एपीसी होता है. ठीक है, एपीसी क्या बताता है? कि आप अपनी इनकम में से कितना पैसा खर्चा कर रहे हो. एपीसी इज सी अपॉन वाई. अगर मेरी इनकम 1000 रुपये है, 200 खर्च लिए तो कितना परसेंट? 20%. अब बताओ मेरी इनकम 1000 रुपये है और मैं 550 रुपये खर्च करता हूँ, एपीसी कितना? 55%. ठीक है, मेरी इनकम 1000 रुपये है, मैं 999 खर्च कर लेता हूँ, 99% या 0.99. ठीक है या नहीं है? तो एपीसी और कुछ भी नहीं है, आपने इनकम में से जितना भी खर्चा करा उसको एपीसी बोलते हैं. ठीक है, फिर एमपीसी क्या होता है? एमपीसी होता है अगर इनकम चेंज हो तो कंजम्पशन भी तो चेंज होगा, या शायद ना भी हो, ज़रूरी नहीं है, है ना? इनकम चेंज होने से कंजम्पशन चेंज होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सही है, लेकिन कुछ तो बदलेगा, चाहे इनकम ही बदल जाए. ठीक है, अब हमने बोला कि इसकी इनकम जो है वो 1000 से बढ़ के 2000 हो गई. 1000 से बढ़ के कितनी हो गई? 2000. लेकिन जो इसका कंजम्पशन है वो 200 से बस 300 ही हुआ. इनकम बढ़ी, इसने थोड़ा खर्चे भी बढ़ा दिए अपने, बस कूलर की जगह एसी लगा लिया, इतना ही फ़र्क है बस, और ज़्यादा नहीं. रोटी अभी भी उतनी खा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, है ना? बस ऐसे ही तो होता है, लाइफस्टाइल तो बढ़ता है, खाना तो वही चलता है ज़िंदगी भर, सही है. तो इनकम बढ़ी तो क्या बढ़ गया? कंजम्पशन बढ़ गया, और हो सकता है शायद ना भी बढ़े, लेकिन अभी मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ, सो दैट आपको आसानी से समझ में आ जाए. ठीक है, अब मुझे बताओ अगर इनकम बेटा 1000 से 2000 हो गई तो कितना चेंज है इनकम में? चेंज बताना है, 1000 का चेंज है. तो मैं बोलूँगा डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम. चेंज कितना है? 1000. कंजम्पशन 200 से 300, कितना चेंज? 100. कितना आ गया? 0.10 या फिर 10%. ये शो करता है कि अगर मेरी इनकम बढ़ी है तो उस बढ़ी हुई इनकम का मैंने 10% खर्च लिया. बढ़ी हुई इनकम का कितना खर्चा कर दिया? 10%. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी इनकम बढ़ी है, ठीक है, अगर मेरी इनकम बढ़ी है तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं खर्चा बढ़ाऊँगा, या ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है. इट मीन्स मेरा खर्चा पहले 200 था, अब भी 200 हो सकता है या नहीं हो सकता? अब भी 200 हो सकता है. तो उस केस में क्या मेरा बढ़ा हुआ कंजम्पशन जीरो होगा? जीरो होगा या नहीं होगा? तो जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो. तो वो बताएगा, अगर एमपीसी जीरो आ गया, वो ये बता रहा है कि इनकम बढ़ी तो खर्चा जीरो, उसमें से मैंने एक रुपया भी खर्च नहीं किया. और ऐसा भी हो सकता है कोई बहुत ही ज्यादा शौक वाला इंसान हो, शौकिया इंसान, है ना, उसने कहा मेरा 1000 रुपये इनकम बढ़ी, मैं 1000 रुपये के 1000 खर्च दूंगा. ऐसा भी हो सकता है, उसकी इनकम अगर 1000 से 2000 हुई, उसने खर्चा 200 से 1200 कर दिया, तो 1000 की इनकम बढ़ी, खर्चा भी 1000 से बढ़ गया, है ना? तो फिर उस सिनेरियो में एमपीसी आ जाता है 1. ठीक है, तो एमपीसी की जो कम से कम वैल्यू है वो होती है 0. या तो वो कुछ भी खर्चा नहीं करेगा तो एमपीसी कितना? 0. या फिर वो सारा खर्चा कर लेगा तो एमपीसी कितना? 1. जितना बढ़ा है उससे ज़्यादा खर्चा तो नहीं बढ़ा सकता. अगर मेरी इनकम 1000 से बढ़ी तो खर्चा कितने से बढ़ाऊँगा?
हजार से बढ़ा दूंगा। तो एमपीसी यूजुअली किसके बीच में रहता है, जीरो से वन के बीच में, ठीक है। और एपीसी की अगर हम बात करें बेटा, एपीसी तो सिंपल है, इसमें तो हम कोई चेंज देख ही नहीं रहे। एपीसी तो सिंपल है, कितनी इनकम में कितना कंजम्पशन। बात समझ में आ गई। पहले फॉर्मूलाज लिख लो, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। फॉर्मूलाज लिख लिया आपने, एपीसी सी अपॉन वाई, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब चाहे इसी के यहाँ पे एक बीच में लाइन कर लेना, एपीसी वाले इधर लिख लेना, एमपीसी वाले इधर लिख लेना, एक ही बात है, ठीक है ना। एपीसी वाले पॉइंट्स लिखो पहले तो, एमपीसी नहीं, क्योंकि एडिशनल इनकम नेगेटिव कैसे होगी, एडिशनल इनकम तो इनकम बढ़ी रही है ना। हाँ हो सकता है कम, देखो क्या होता है ना, एक बेसिक कंजम्पशन तो हम लेके चल ही रहे हैं एक जनरल सिचुएशन में, है ना। अब इनकम बढ़ी तो कम से कम इंसान जो पहले चल रहा था वो तो लेके चलेगा ही ना, अगर मैं जनरल सिचुएशन देखूं। अब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बुरा समय तो किसी के साथ भी आ सकता है, लेकिन अगर हम जनरल सिचुएशन में देखें, अगर मैं 1000 पे 200 खर्च कर रहा हूं, तो 2000 पे 200 तो करूंगा ही ना। तो एक जनरल सिचुएशन वो है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एपीसी में लिखो बेटा पहले। अब एपीसी में जितने भी पॉइंट्स मैं बोलूंगा वो आपको खुद से जस्टिफाई करने हैं, ठीक है। आप सारे पॉइंट खुद से जस्टिफाई करने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले एपीसी कैन बी मोर देन वन। एपीसी मेरा एक से ज्यादा हो सकता है, हाँ या ना, पहले तो ये बताओ। अगर मेरी इनकम 100 है तो मैं खर्चा 120 कर सकता हूँ। अगर मेरी इनकम 100 है, क्या मैं खर्चा 120 कर सकता हूँ? पहले वो हाथ उठाओ जो कह रहे नहीं कर सकते। इनकम 100 है तो मैं खर्चा 120 नहीं कर सकता, हाथ उठाओ जल्दी से, उठा ले बेटा, जोर से उठा ले, कोई बात नहीं, जो लगने लगता है। अगर 100 है तो मैं खर्चा 120 नहीं कर सकता, हाथ उठाओ, उठा लो भाई, हाथ दिए ऊपर वाले ने दो, हाँ उठाओ उठाओ, अभी और उठेंगे दो को देख के, उठा ले जो लग रहा है तो उठा ले भाई। बस सिर्फ ये एक दो तीन बच्चों को लगता है ऐसा। अब वो उठाओ कि मेरी इनकम अगर 100 है तो मैं 100 खर्चूंगा या 100 से कम खर्चा करूंगा, या 100 या उससे कम वाले। अब वो उठाओ उठाओ उठाओ, अब वो उठा लो भाई जो कह रहे हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता भाई, अब वो उठा लो, हमें कुछ नहीं पता। देखो अभी फिलहाल मैं आपको बोल रहा हूँ, एपीसी सी अपॉन वाई है, ठीक है। मैंने बोला कि मेरी इनकम 100 है, इसको मोर देन वन लाने के लिए अगर मैं इसको 100 ही रखता हूँ तो मेरी इनकम एपीसी कितना आता है, वन। मुझे वन नहीं लाना, ये क्या बोल रहा है, इट कैन बी मोर देन, एक से ज्यादा हो सकता है। अब बताओ एक से ज्यादा अगर करना है तो यहाँ ऊपर वैल्यू ज्यादा चाहिए ना, यहाँ 110 करूंगा तो ये 1 पॉइंट, 120 करूंगा तो 1 पॉइंट। अब बताओ अगर इनकम 100 है तो 110 का खर्चा हो सकता है क्या? अब हाथ उठाओ जो कह रहे हैं कि हो सकता है, हाथ उठाओ जो कह रहे हैं हो सकता है। अब वो उठाओ जो कह रहे हैं नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। इनकम कितनी थी, खर्चा कितना था? इनकम कितनी थी, खर्चा कितना था? ये कैसे हो गया? हो सकता है। जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस यही तो बोलता था कि अगर आपकी इनकम जीरो भी होगी तो भी आप खर्चा उससे ज्यादा करोगे। अगर आपकी इनकम बंद भी हो गई, भाई जिंदगी तो जीनी है, पुरानी सेविंग्स यूज करूंगा, तो अगर मेरी इनकम 100 है तो उससे ज्यादा मेरा कंजम्पशन हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस वाला करेक्टर, ठीक है। तो क्या एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है? यस, फर्स्ट पॉइंट ट्रू हो गया, तो याद रखना एपीसी कैन बी मोर देन 1। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से देखना बेटा, दूसरा पॉइंट होगा एपीसी कैन बी 1, दूसरा पॉइंट एपीसी कैन बी 1। अच्छा पहले वाले पॉइंट में ना बेटा ब्रैकेट में लिख लेना, वहां पे मोर देन 1 के बाद ब्रैकेट में लिख लेना, जब कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम हो, ठीक है। सी ग्रेटर देन वाई, मतलब मैंने बोला कि एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, यही तो बोला था। ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब कंजम्पशन ज्यादा होगा किससे, इनकम से, ठीक है। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको बोल रहा हूं कि एपीसी कैन बी 1, बताओ एपीसी 1 कब होगा? अगर नीचे भी 100 ऊपर भी 100 1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, है ना। तो एपीसी 1 कब होता है? जब कंजम्पशन बराबर, क्या मैं इसे कुछ और भी बोल सकता हूँ? ब्रेक इवन पॉइंट, वेरी गुड। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आए कि ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी कितना होता है तो क्या बोलोगे? 1। सोचना नहीं ज्यादा, ठीक है। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट
और ब्रेक इवन पॉइंट और सेविंग्स इज इक्वल टू जीरो, तीनों ही पॉइंट पे एपीसी किसके बराबर होगा? वन के बराबर होगा। अब ये दो नंबर में बोल दे आपको, टू मार्क में बोल दे कि तीन कंडीशन बताओ जब एपीसी वन आए, तो तीन कंडीशन में क्या लिख के आओगे? सी इज इक्वल टू वाई होगा या ब्रेक इवन पॉइंट होगा या एस इज इक्वल टू जीरो होगा, एक ही बात है तीनों में। नंबर तीन, पॉइंट नंबर थ्री, एपीसी कैन बी लेस देन वन, एपीसी कैन बी लेस देन वन। क्या एपीसी लेस देन वन भी हो सकता है? एक नॉर्मल सिचुएशन में लेस देन वन ही होता है, एक आदमी अपनी इनकम से कम ही खर्चा करता है, ठीक है? तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, ठीक है? तो एपीसी वन भी हो सकता है, एपीसी मोर देन वन भी हो सकता है, एपीसी लेस देन वन भी हो सकता है। नंबर फोर, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या एपीसी कभी भी जीरो होगा? नहीं होगा बेटा, जीरो होने के लिए कंजम्पशन जीरो होना जरूरी है। कंजम्पशन तो जीरो एक ही बार होगा जब वो, अदरवाइज एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है? क्यों, इसका रीजन क्या है? बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। पॉइंट नंबर पांच, पॉइंट नंबर पांच, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे बेटा इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका एपीसी कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, इनकम बढ़ी, खर्चा तो वही है ना, खर्चा आप शुरू में पूरी कर लोगे, इनिशियली आपका ज़्यादा हो जाएगा, बाद में तो गिरता ही जाएगा। एपीसी आपका क्या होता है? इनकम के साथ कम, ठीक है जी। एमपीसी के आपको पॉइंट पता चल गए, वो एपीसी के पता चल गए, एमपीसी के पॉइंट्स लिखेंगे। एमपीसी क्या होता है पहले ये बता दो, ये नहीं पूछा मैंने, मतलब क्या था उसका? फुल फॉर्म तो मुझे ही पता है, फुल फॉर्म बता दोगे। एमपीसी की अगर इनकम चेंज हुई तो उससे कंजम्पशन कितना चेंज होगा, ठीक है? अब इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे एमपीसी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, एमपीसी लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, एमपीसी लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। एमपीसी हमेशा किसके बीच में चलेगा? जीरो से वन के बीच में चलेगा। सर जीरो से वन के बीच में क्यों चलेगा? देखो अगर इनकम मेरी 100 से बढ़ के कितनी हुई? 200, और खर्चा मेरा पहले भी 20 था अभी भी 20 ही है, एक्सट्रीम केस है ये, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, एमपीसी कैसे निकलता है? कितना खर्चा चेंज हुआ डिवाइड बाय कितनी इनकम चेंज हुई, बताओ खर्चा कितना चेंज हुआ? पहले 20 था अभी 20 है, जीरो कोई चेंज नहीं, चेंज इन कंजम्पशन जीरो, चेंज इन इनकम सो, तो क्या ये जीरो आएगा? एमपीसी जीरो आ गया। अब आपसे कोई पूछ ले एमपीसी जीरो कब होगा? जब चेंज इन कंजम्पशन जीरो होगा, ठीक है? और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 120 हो गया, 20 से कितना हो गया सीधा 120, तो अब बताओ चेंज इन कंजम्पशन कितना 100 और चेंज इन इनकम कितना 100, तो ये कितना आ गया 1। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, 100 बढ़ा तो बस 100 ही खर्चा कर दिया सारा का सारा, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो एमपीसी हमेशा किसके बीच में होगा? जीरो और वन के बीच में। वन कब होगा? जब चेंज इन कंजम्पशन बराबर होगा चेंज इन इनकम के। और जीरो कब होगा? जब चेंज इन कंजम्पशन जीरो होगा, ठीक है? याद रहेगा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर टू, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एमपीसी ऑफ पुअर, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। एक गरीब आदमी का एमपीसी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ रिच। गरीब का एमपीसी क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि गरीब की बेटा इच्छाएं पूरी नहीं हुई होती, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो उसका खर्चा बढ़ता है। अमीर आदमी को क्या फर्क पड़ता है, उसने तो पहले ही सब कुछ किया हुआ है, उसकी इनकम बढ़ती रहती है, उसका खर्चा इतना नहीं बढ़ता, ठीक है? तो एमपीसी ऑफ पुअर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एमपीसी ऑफ रिच, ठीक है जी। पॉइंट नंबर तीन, एमपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। अगर आपकी इनकम सक्सेसिवली बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो आपका एमपीसी गिरेगा। लगातार खर्चा थोड़ी ना बढ़ाते जाओगे, खर्चा तो धीरे धीरे कम ही आगे वो बेसिक पे ही आ जाएगा, ठीक है?
तो ये बेटा आपके मेन पॉइंट्स होते हैं किसके बारे में, एमपीसी के बारे में और एपीसी के बारे में। ठीक हो गया जी, ये हमने पढ़ा अभी तक क्या, कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, अब इसमें एक छोटा टॉपिक आता है जिसका नाम है सेविंग फंक्शन। डालो जी मैडम, सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे। फिर से एक शब्द आ रहा है फंक्शन, फंक्शन मतलब रिलेशनशिप, फंक्शन मीन्स। तो इस बार किसके बीच में रिलेशनशिप, सेविंग्स और इनकम की। तो सेविंग कितनी होगी आपकी इनकम में से, सही है, सेविंग कितनी होगी आपकी इनकम में से, इसको आप सेविंग फंक्शन बोलते हो। पहले इनकम में से क्या देख रहा था, कंजम्पशन कितनी होगी, उसको कंजम्पशन फंक्शन बोल रहा था। अभी इनकम में से सेविंग कितनी होगी, उसको सेविंग फंक्शन बोलूंगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है जी, अभी है समय है बेटा, अभी कभी कहाँ जा रहा। लिखो जी सेविंग फंक्शन के बारे में एक दो जल्दी से। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम। ये फंक्शनल रिलेशनशिप है सेविंग्स के और नेशनल इनकम के बीच में। अब इसका टेबल बनाते हैं। कौन सी टेबल चलेगी बेटा, वही वाली इनकम कंजम्पशन टेबल, याद हो जानी चाहिए बेटा, अभी तक खुद बनाया करो अभी से। चलो मुझे फटाफट से बताओ, अब जरा इधर ध्यान दो। इनकम 600 है, कंजम्पशन 520 है, सेविंग्स कितना है 80, इधर 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 यहाँ पे जीरो। सेविंग क्या बोलते हैं, ये क्या होगा, इनकम बराबर कंजम्पशन कह दो या सेविंग जीरो कह दो, हो गया ना प्रूफ यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव सेविंग्स, नेगेटिव सेविंग क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन है तभी ये क्या आ रही है, नेगेटिव सेविंग आ रही है बेटा। ठीक है, जीरो पे भी आप कुछ ना कुछ, वैसे तो हम लोग ऑटोनॉमस जो लेते हैं वो जीरो लेवल पे लेते हैं मेनली, हम लोग जो ऑटोनॉमस लेते हैं वो कौन से लेवल पे लेते हैं, जीरो लेवल पे लेते हैं। तो आप इसको चाहे अभी मेंशन मत करना, आप बस ये नेगेटिव सेविंग लिख लो फिलहाल। ठीक है जी, सही हो गई ये चीज़, परफेक्ट हो गई। अब आपको इसका कर्व बनाना है, इनकम से किसका कर्व बनाना है, सेविंग्स का। अगर हमें सेविंग्स का कर्व बनाना हो, बड़े ध्यान से देखना, इधर इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। चलो सेविंग्स बताओ जरा, जीरो पे कितनी है, जीरो पे कितनी है बेटा, -40। इसका मतलब ये तो नेगेटिव से शुरू होगा, है ना, हमें कहाँ तक जाना है सेविंग्स में, 80 तक जाना है ना। तो यहाँ से हम 20, 40, 60, 80, -20 और माइनस, जीरो पे -40 तो नीचे से शुरू होगा, फिर 100 पे -20, 100 पे -20, फिर 200 पे ज़ीरो, उसके बाद 300 पे 20, फिर 400 पे 20। तो देखो सेविंग कर्व जो है वो आपका नीचे से शुरू होता है, नेगेटिव से शुरू होता है बेटा, ये याद रखना, ये आपका नीचे से शुरू होगा, सही है। अब ये वाला जो एरिया आया, इसको क्या बोलोगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स के बाद फिर ये जो आया, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, और फिर तो सेविंग्स आई, फिर तो आपकी सेविंग्स आई सारी की सारी। ठीक हो गया बेटा, चलें जी आगे। ये कौन सा था हमारे पास, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में लिखेंगे हम लोग।
पॉइंट नंबर वन, सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस. सेविंग कर्व कहां से शुरू होता है? नेगेटिव एक्सिस से शुरू होता है. नेगेटिव एक्सिस से क्यों शुरू होता है? सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस बिकॉज ऑफ पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो. बिकॉज ऑफ पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो. इवन जब आपकी इनकम जीरो थी तब भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंजम्पशन था. दैट इज व्हाई ये नेगेटिव से शुरू हुआ. सेविंग कर्व्स स्टार्टेड फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस बिकॉज देयर इज, मैंने क्या बोला था, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो. पॉजिटिव कंजम्पशन है इवन जब इनकम क्या हो, जीरो. ठीक है, जीरो पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है ना, उसी को तो नेगेटिव सेविंग बोलते हैं. ठीक है, अच्छा इसके बाद नंबर टू, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व कैसा होगा बेटा? स्लोप कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है, तो इसमें क्या बोल दूंगा मैं, सेविंग कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप. सेविंग कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप. पॉजिटिव स्लोप क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप. बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स. इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है ना. नंबर तीन, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आएगा? When savings is equal to zero, it indicates break-even point. When savings is equal to zero, it indicates break-even point. ये क्या show करता है हमें? Break-even point. उसके बाद after the break-even point. नेक्स्ट लाइन से लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट में. आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग्स इज पॉजिटिव. ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग्स कैसी हो जाती है बेटा? पॉजिटिव. ठीक है, प्रोपेंसिटी टू सेव दो प्रकार का होता है, एक APS और एक MPS. A का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और M का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. मतलब बिल्कुल सेम, वहाँ पे APC था कि इनकम में से कितना खर्चा करता हूँ, यहाँ APS है कि इनकम में से कितना सेव करते हैं हम लोग. ठीक है जी, APS is S upon Y और MPS is डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. एपीएस के बारे में कुछ बताओगे? इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं. चलो एपीएस के नीचे कुछ पॉइंट्स लिखो. नंबर वन, सबसे पहले एपीएस कैन नेवर बी वन. APS can never be one. APS कभी भी one नहीं हो सकता. APS अगर one करना हो तो one कैसे होगा? अगर मेरी income zero है, sorry 100 है, तो savings भी 100 हो जाए तो ही one होगा. यानी क्या कोई ऐसा इंसान है कि जितना कमाया सारा save कर लिया, खर्चा ही नहीं है उसका? ऐसा तो कोई भी नहीं होगा. जो बहुत कमाता होगा खर्चा तो उसका भी होगा. तो APS can never be one. APS कभी भी one नहीं हो सकता. ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, APS can never be more than one. APS can never be more than one. इनकम 100 है जी और सेविंग 120 है. चमत्कारी बालक है ये चिंटू. 100 रुपए कमाता है और 120 जोड़ लेता है.
100 अपने भी जोड़ लेता है, 30 रुपए की पड़ोसी की जेब काट लेता है। बताओ, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता। ठीक है, APS कैन नेवर बी मोर देन 1। जब एक नहीं है तो एक से ज्यादा कैसे होगा। पॉइंट नंबर 3, APS कैन बी 0। क्या APS 0 हो सकता है? अगर सेविंग 0 कर दूं, अगर सेविंग को 0 कर दे तो APS 0 हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट पे। भाई जितना इनकम है सारा खर्चा तो कर ही सकता है, सेव ही तो नहीं कर सकता। खर्चा करेगा तो सेविंग 0, सेविंग 0 है तो बेसिकली APS क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, नंबर 4, APS कैन बी नेगेटिव। APS कैन बी नेगेटिव, क्या APS नेगेटिव हो सकता है? हाँ, अगर आपकी सेविंग नेगेटिव में हो तो APS भी नेगेटिव आ जाएगा, और सेविंग तो शुरू ही नेगेटिव से होती है। ठीक है, APS कैन बी नेगेटिव। पॉइंट नंबर 5, APS कैन बी लेस देन 1। APS कैन बी लेस देन 1, लेस देन 1 भी होती है, इनिशियली तो 0 से भी कम होती है ना, तो लेस देन 1 होगी। लास्ट पॉइंट, APS राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम। APS राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो APS बढ़ जाएगा। ठीक है, सेविंग बढ़ेगी ना बेटा, APS राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम। अब MPS पे आ जाओ, MPS also lies between 0 and 1. MPS भी किसके बीच में रहेगा, 0 and 1 के बीच में रहेगा। MPS हमेशा किसके बीच में रहता है बेटा, 0 और 1 के बीच में। ऐसा क्यों? देखो फिर से वही, अगर इनकम 100 थी पहले और अब 200 हो गई। ठीक है, पहले सपोज उसकी सेविंग 20 थी, पहले उसकी सेविंग कितनी थी, 20 थी। अभी फिलहाल वो सेविंग उतनी ही कर पाया बस। ठीक है, ये इनकम है, ये सेविंग्स है, पहले भी उसकी सेविंग 20 थी, अब भी उसकी सेविंग कितनी है, 20। यानी जितना भी फालतू कमाया वो खर्च हो गया सारा का सारा। ठीक है, यानी एडिशनल सेविंग्स उसकी 0 है, तो एडिशनल इनकम 100, एडिशनल सेविंग 0, तो क्या ये 0 आ जाएगा। ठीक है, जितना भी उसने एक्स्ट्रा कमाया वो खर्च हो गया, नहीं कर पाया सेव, पहले भी 20 जोड़ रहा था, अब भी 20 जोड़ रहा है, लेकिन अब जितना उसने एक्स्ट्रा कमाया सारा जोड़ लिया, सारा का सारा 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाए सारे सेविंग में। उसने कहा मैं जब 100 रुपये कमाता तब भी मेरे 20 रुपये बचते थे, अब 200 कमाता हूँ तो 120 बचेंगे, खर्चा मेरा कुछ नहीं है, वो ये 80। खर्चा मेरा कितना है, 80। भाई 80 खर्चा था तो 20 सेव करता था ना, अभी भी खर्चा वही है, इनकम बढ़ी है, खर्चा 80 ही है, तो जो भी एक्स्ट्रा कमाएगा सब जोड़ेगा तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो 20 से 120 सेविंग में कितना फ़र्क आया, 100 का, और इनकम कितनी बढ़ी थी, 1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो MPS हमेशा किसके बीच में चलेगा, 0 एंड 1 के बीच में चलेगा। ठीक है जी, इसके बाद इसके बारे में और कुछ नहीं लिखना, लास्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन APC APS एंड MPC MPS। हाँ जी, अलग हेडिंग डाल दे बेटा, हाँ उसमें एक ही आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बढ़िया है ना, ज़्यादा क्या टेंशन लेनी। दोनों में एक ही जैसा रिलेशनशिप है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, एक बात बताओ, अगर किसी का खर्चा 70% है तो उसकी सेविंग कितनी होगी, अगर खर्चा 70% है तो सेविंग्स 30% होगी, अगर खर्चा 50% है तो सेविंग्स 50, खर्चा 25% है तो सेविंग्स 75, खर्चा 75 है तो सेविंग्स। इसका मतलब कुछ भी कंडीशन बन जाए ये हमेशा 1 के बराबर आता है या नहीं आता, कुछ भी सिचुएशन बन जाए ये हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ APC प्लस APS हमेशा 1 होगा, खर्चा प्लस सेविंग्स 1 ही तो होगा, ठीक है या नहीं है। लेकिन हम ऐसे समझा तो नहीं सकते ना, हमारा सिस्टम इस तरीके का है कि अगर आपको समझाना आता है तो आपको 0 मिलेंगे, लिखना आना चाहिए है ना। एजुकेशन सिस्टम में तुम रट के चले जाओ, तुम वहाँ जाके लिखाओ तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे, टीचर तुम्हारे से पूछ ले बेटा इसके बारे में क्या पता है, कुछ नहीं पता, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर, एजुकेशन सिस्टम है ना बेटा।
भारतीय एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन को हिंदी में क्या बोलूंगा मैं, सोचो, भारतीय शिक्षा शैली। चलो ये बताओ, छोड़ो, इनकम, आजा इधर, इनकम इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड, पढ़ के आए, इनकम को या कंज्यूम करोगे या सेव करोगे। इस पूरी इक्वेशन को वाई से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन बाय इनकम, इनकम अपॉन इनकम, सी अपॉन वाई, एस अपॉन वाई। बताओ बेटा जी, इनकम अपॉन इनकम वन, सी अपॉन वाई को क्या बोलते हो, और एस अपॉन वाई को, लो जी, ए पी सी प्लस ए पी एस हमेशा किसके बराबर होगा, वन के। अब आपको अगर ये लिखना आता है तो पूरे तीन नंबर मिल जाएंगे, वो तुम बताने लगोगे तो कुछ नहीं मिलने का, जीरो। सिमिलरली बेटा, जितनी इनकम चेंज होगी उससे आपका या कंजम्पशन चेंज होगा या सेविंग चेंज होगा, ठीक है। अब इस बार पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड इक्वेशन बाय डेल्टा वाई। लो जी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई वन, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एम पी सी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई एम पी एस। एम पी सी प्लस एम पी एस हमेशा वन होता है, ए पी सी प्लस ए पी एस हमेशा वन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ऑलवेज ये बात याद रखेंगे बेटा। अब इस चैप्टर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, बस छोटी छोटी सी चीज़ें बची हैं। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूँ जो आपको करना है, वो क्या है जी, बताओ जी, अगर हम बात करें ए पी सी की, ठीक है, हमें यहाँ पे लिख दूँ, सबसे ऊपर मैं लिख दूँ ज़ीरो, तो आपको लिखना है कि ए पी सी ज़ीरो हो सकता है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, हाँ ना, इसके आंसर करने हैं, ठीक है जी। सबसे ऊपर क्या लिख दिया मैंने, ज़ीरो, इधर लिख रहा हूँ लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, वन, मोर देन वन, ठीक है। तो अब आपको सब लिखने हैं, क्या ए पी सी ज़ीरो हो सकता है, अगर हाँ तो कैसे, क्या ए पी सी लेस देन ज़ीरो हो सकता है, अगर हाँ तो कैसे, क्या ए पी सी वन हो सकता है, अगर हाँ तो कैसे, क्या मोर देन वन हो सकता है, अगर हाँ तो कैसे। आपको सबकी जस्टिफिकेशन आनी चाहिए, ठीक है जी। इसी के साथ आपका कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, ये टॉपिक ख़त्म, चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ, चैप्टर में बस डेरीवेशन बची हैं, कर्व की डेरीवेशन, एम्प्लॉयमेंट लेवल और न्यूमेरिकल्स, एक क्लास उसमें लगेगी पूरी की पूरी, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन फिर आपके जो दो चैप्टर हैं बचे हुए वो एक ही क्लास में हो जाएंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दो क्लासेस और आपका ये पूरा यूनिट कंप्लीट, ठीक है जी। 12 नंबर का यूनिट है, बहुत अच्छे से करो और बढ़िया से पूरा करो, पूरे 12 नंबर लेके आओ, एक एक चीज़ आप कवर करके चल रहे हो। डेरिवेशन ऑफ, इसमें दो पार्ट्स बनते हैं, नंबर वन सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, अगर आपको कंजम्पशन दिया हो आपने सेविंग्स निकालना है, अगर आपको सेविंग्स दिया हो आपने कंजम्पशन निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूजुअली लगभग हर साल आ रहा था पहले 2014-15-16 तक, उसके बाद अभी पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। ऑल दो पिछले 2-3 साल से एग्जाम से डिस्टर्ब चल रहे हैं, कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे, बट फिर भी ये क्वेश्चन आया नहीं है। तो अगर फॉर अ चेंज कुछ नया डालना होगा एग्जामिनर ने इस साल, तो ये क्वेश्चन के चांसेस हैं, ठीक है। तो याद रखना, डेरिवेशन 3 नंबर में वैसे भी पूछ सकते हैं या 2 नंबर में ही पूछ सकता है कि बस कर्व डिराइव करके दिखा दो, कंजम्पशन से सेविंग या सेविंग से कंजम्पशन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को बनाते हैं, सबसे पहले हमें कौन सा कर्व गिवन होगा, कंजम्पशन गिवन होगा, और निकालना कौन सा है, सेविंग कर्व, ठीक है। तो कैसे बनता है, देखो, अगर आपको कंजम्पशन गिवन हो तो इट मींस बस लगभग यहां से कंजम्पशन शुरू होता है, आपका पता होना चाहिए आपको बेसिक्स,
ठीक है, कि कंजम्पशन कभी जीरो से शुरू नहीं होता बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन है तो कंजम्पशन कर्व हमेशा कुछ ऊपर से शुरू होगा. ये आपको गिवन है. आपको इससे क्या निकालना है, कौन सा कर्व निकालना है, सेविंग का कर्व निकालना है. तो ऑलवेज ड्रॉ सबसे पहले 45 डिग्री का लाइन. सबसे पहले कौन सा लाइन ड्रॉ करो, 45 डिग्री. 45 डिग्री का लाइन किसका लाइन होता है, इनकम या एएस, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम या एएस. तो हम सबसे पहला काम करेंगे यहां से 45 डिग्री, ये बन गया इनकम या फिर एएस या फिर सी प्लस एस. ठीक है, अब बताओ जहां पे जितनी इनकम उतना ही कंजम्पशन, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये पॉइंट है आपका ब्रेक इवन. क्यों ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहां पे इनकम बराबर कंजम्पशन है. ठीक है, इनकम बराबर कंजम्पशन. अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें इतना गिवन है, आपको ये लॉजिक्स पहले लगा लेने हैं, ये हमें गिवन है. अब हमें इस कर्व से कौन सा कर्व बनाना है, सेविंग का कर्व बनाना है. ठीक है, तो सेविंग का कर्व बनाने के लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक काम करते हैं, इसी को नीचे ले जाते हैं. ठीक है, अब मुझे बताओ जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है क्या उतनी ही नेगेटिव सेविंग्स होंगी. अगर आपकी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे 40 रुपए खर्च कर रहे हो तो पिछली वाली जो सेविंग्स है वो भी तो 40 ही लग रही है. अगर जीरो पे 40 था तो सेविंग्स माइनस 40 था या नहीं था, है ना. तो जितना भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतनी ही नेगेटिव सेविंग्स होती है. ठीक है, तो जितना ये एरिया है स्केल से मेजर करके लगभग उतना ही आप यहाँ पे पॉइंट लगा लेना, कि जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतनी ही नेगेटिव सेविंग्स. ये चीज क्लियर है. सेकंड पॉइंट आपको कहां से मिलेगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट वाला. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन. और आपको पता है कि जहां पे इनकम बराबर कंजम्पशन होता है वहां पे सेविंग्स भी जीरो होती है. हाँ या ना, जितना कमाया अगर उतना खर्च कर दिया तो सेविंग जीरो. ठीक है जी, क्या आपको दो पॉइंट्स मिल गए. बस इन्हें पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो यहां से इस प्रकार से, ये कौन सा कर्व बन गया, सेविंग का कर्व. बहुत सिंपल. ठीक है, तो आपको कंजम्पशन गिवन था, सबसे पहले 45 डिग्री प्लॉट करो, एक पॉइंट लो वहां से एक लाइन खींच दो. जितना नेगेटिव कंजम्पशन उतना नेगेटिव सेविंग, नेगेटिव नहीं ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतना नेगेटिव सेविंग. बस फिर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो. कौन सा पॉइंट मिल जाएगा आपको, कौन सा कर्व मिल जाएगा आपको, सेविंग्स कर्व. क्लियर. ठीक है जी, अभी ये तो हो गया हमारा जब हमें गिवन था कंजम्पशन और हमने क्या बनाया, सेविंग बनाया. अगर इसका उल्टा हो, हमें सेविंग गिवन हो और कंजम्पशन बनाना हो, फिर क्या बना सकते हो. अगर मैं कहूँ कि आपको सेविंग्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपको 7 का गिवन है आपको कंजम्पशन बनाना है. कैसे बनाओगे कंजम्पशन, करो ट्राई. आपको 7 का गिवन है, ठीक है, आपको कौन सा कर्व बनाना है, कंजम्पशन कर्व बनाना है. तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले 45 डिग्री की लाइन पकड़ो एज ऑलवेज. कौन सी लाइन बनाओ, 45 डिग्री. 45 डिग्री की लाइन कैसे बनेगी, ये बन गई इनकम. ठीक है, इनकम यानी कि एएस. ठीक है, अब 45 डिग्री की लाइन बना दी आपने, थोड़ी सी ज्यादा बन गई मुझे लगता है, है ना, चलता है. अब ठीक है, लगभग बराबर बराबर है ना, वो थोड़ा एंगल बड़ा हो गया था. अच्छा, ये हमारी 45 डिग्री की लाइन बन गई. अब देखो ये आपकी नेगेटिव सेविंग्स है, तो जितनी नेगेटिव सेविंग्स उतना ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको यहां से ये यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स जीरो है. तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा. इस पॉइंट को भी क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे भी इनकम बराबर कंजम्पशन होगा. अब आपको दो पॉइंट्स मिल गए, बस यहां से इन्हें ज्वाइन कर दो. ये आपका कौन सा कर्व बन जाएगा, कंजम्पशन कर्व. ठीक है, बस ये मेक श्योर करना कि आपका सेविंग और कंजम्पशन इंटरसेक्ट ना करे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. सही है, प्लीज ये मेक श्योर करना. ओके, तो यहां पे आपने सेविंग से कंजम्पशन बनाया,
और वहां पे क्या बनाया था, कंजम्पशन से सेविंग्स. बस ये आपको बनाने आने चाहिए, प्लस इसकी डेरिवेशन लिखनी आनी चाहिए. ठीक है, पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हुए हैं नोट्स में. ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर ऐप में जाके, स्टडी मटेरियल में जाके नोट्स गिवन है, वहां से देख लेना. ओके, चलो ये हमारे पास हो गया सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फ्रॉम सेविंग्स. डन, क्लियर है बेटा जी? इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन. जैसे कंजम्पशन फंक्शन था, जैसे सेविंग फंक्शन था, वैसे ही इन्वेस्टमेंट फंक्शन है. क्या होता है कशिश सेविंग फंक्शन? पहली बार सुना है कशिश? है आपका नाम प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, और कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसका क्या मतलब है? मतलब क्या है नहीं बता? प्रोपेंसिटी मतलब एबिलिटी, मतलब आप कितना खर्चा करना चाहते हो. वो जो एक रिलेशनशिप दिखा रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और आप कितना सेव करते हो, वो जो एक फंक्शन दिखा रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू सेव. यहाँ पे ये फंक्शन किसके बारे में बताएगा? इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि आपकी कितनी इनकम, तो आप उससे कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट फंक्शन. जैसे वहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम कंजम्पशन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम सेविंग्स, वैसे ही फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, उसको क्या बोल देते हैं हम, कौन सा फंक्शन? इन्वेस्टमेंट फंक्शन. ठीक है जी. अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन में बेटा दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट होगी. कितने प्रकार की इन्वेस्टमेंट होगी, कौन कौन सी? एक होती है इंड्यूस्ड, एक होती है ऑटोनॉमस. एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. ओके, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आपकी इनकम के साथ चेंज होती है. मतलब अगर आप ज्यादा 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 पैसा कमाओगे तो ऐसे ऐसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती चली जाएगी, उसको हम कौन सा इन्वेस्टमेंट बोलते हैं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जैसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो चेंज नहीं होता, वैसे ही ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो चेंज नहीं होगी. यानी कि वहां पे आपकी इनकम कितनी ही बढ़ती रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट आपकी वहीं फिक्स्ड रहेगी. जैसे हमने अपने पहले वाले क्वेश्चन में टेबल में इन्वेस्टमेंट 20-20-20 फिक्स ली हुई है या नहीं ली हुई है? इनकम बढ़ रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनॉमस. ठीक है, ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है बेटा, ये इनकम के साथ बढ़ती है, ये आप पैसा कमाने के लिए करते हो. इट इज़ यूजुअली डन टू अर्न प्रॉफिट्स. ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट्स के लिए नहीं होती. अब पैसा कमाने के लिए हो रही है या बिना पैसा कमाने के लिए हो रही है? कौन सा सेक्टर पैसा कमाने के लिए काम करता है? प्राइवेट सेक्टर. तो इट इज़ यूजुअली डन बाय प्राइवेट सेक्टर. इट इज़ यूजुअली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर. ये सरकार करती है, कि उसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, बस कर दी. ठीक है, सही. अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट किस में होती है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ब्रिजेस में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्री के. तो वो इन्वेस्टमेंट पैसा कमाने के लिए थोड़ी ना करी जा रही है. वो इन्वेस्टमेंट किस लिए करी जा रही है? सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंट्री के लिए करी जा रही है. लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर करता है पैसा कमाने के लिए. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ की इनकम है, तो 20 की इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, जब इनकम 200 हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी 40 हो गई. जब इनकम 300 हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी 60 हो गई. क्या हर लेवल पे इनकम अगर बढ़ रही है, इनकम यहाँ से यहाँ हुई तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से यहाँ पहुँच गई, फिर ये और बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट भी और बढ़ गई, सिमिलरली और बढ़ी तो फिर इन्वेस्टमेंट भी और बढ़ गई. तो इसका कर्व कैसा होता है? इस प्रकार का अपवर्ड स्लोपिंग. कभी भी आप पॉजिटिव रिलेशनशिप देखते हो, कब ऊपर की तरफ जाता है ना. ठीक है, और अगर मैं बात करूं ऑटोनॉमस का, तो ऑटोनॉमस में क्या है? बस 20 फिक्स्ड है जी,
आपकी इनकम कितने भी होती रहे, इनकम जितनी मर्जी हो जाए, ये इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इसको हम कौन सी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ऑटोनॉमस। ठीक है जी, चार चार पॉइंट मैंने आपको इसके बारे में बता दिए। पहला वाला एक प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है, एक प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती। दूसरा वाला एक इनकम इलास्टिक होगा, एक इनकम इलास्टिक नहीं होगा। व्हाट इज इनकम इलास्टिक, जो इनकम के साथ चेंज हो उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिक, जो चेंज ना हो इनकम इन इलास्टिक, ये चेंज नहीं होती इनकम इन इलास्टिक, ये चेंज होती है इनकम इलास्टिक। इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उसके बाद आपके पास जनरली डन बाय प्राइवेट सेक्टर, जनरली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक छोटे छोटे दो टर्म्स आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एग्जेंट एंड एक्स पोस्ट। इन्हें हम बोलते हैं एग्जेंट एंड एक्सपोज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस दो शब्दों का मतलब आना चाहिए। सेविंग का मतलब भी आप जानते हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब भी आप जानते हो। नए शब्द कौन से हैं, एक्सेंट और एक्सपोज्ड। कहीं पे भी एक्सेंट आए, एक्सेंट का मतलब क्या होता है, प्लान्ड, और एक्सपोज्ड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है करने के लिए, वो क्या होगा, एक्स एंट, और एक्चुअल में क्या हुआ, वो एक्स पोस्ट। जब भी गवर्नमेंट अपना बजट देती है तो बजट एक प्लान होता है ना, कि आने वाले साल में हम क्या करने वाले हैं, किस सेक्टर पे कितना खर्चा करेंगे, तो उस सबको क्या बोलते हैं हम, कौन सा, एक्स एंट। उसके बाद एक्चुअल में कितना होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट। ठीक है, तो अगर एस्टिमेटेड या प्लान्ड सेविंग की बात कर रहा हूँ उसको एक्स एंट सेविंग बोलूंगा, एस्टिमेटेड या प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ उसको एक्सेंट इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। एक्चुअल में कितनी सेविंग हुई, एक्सपोज सेविंग। एक्चुअल में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, एक्सपोज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, ये आपको एक्सेंट और एक्सपोज पता होना चाहिए, सही है। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा, बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट हम बोलते हैं एक ऐसा सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी में, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, उन्हें काम मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुल एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर ऑल द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू डू वर्क आर गेटिंग वर्क। ठीक है, जितने भी लोग जो एबल भी है, विलिंग भी है, उन्हें काम मिल भी रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। कि किसी भी इकोनॉमी में अब आप लोग अच्छी डिग्रीज ले लोगे, पढ़ लोगे, बढ़िया काम कर लोगे, तो आप लोग विलिंग भी होगे काम करने के और एबल भी होगे। कब तक पढ़ते रहोगे, पढ़ाई का और 3-4 साल तुम पढ़ने के बाद कहोगे अब काम चाहिए, बस बहुत पढ़ ली। ठीक है, तो विलिंग भी होगे और एबल भी होगे और सभी को काम मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पे आ गई है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गई है। ठीक है, बट हम लोग इस थ्योरी में ये पढ़ते हैं बेटा कि फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी आपको कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं, दो। पहले फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ गए, वो सभी लोग, दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू डू द वर्क आर गेटिंग वर्क, काम मिल रहा है। बट इसमें भी दो प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, कौन से, सबसे पहला होता है फ्रिक्शनल। सबसे पहला कौन सा आता है, फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल होता है द टाइम गैप बिटवीन टू जॉब्स। ठीक है, टाइम गैप बिटवीन टू जॉब्स मतलब कि आपको काम मिल गया, अब आपको लगा कि अब हमें जॉब चेंज करनी चाहिए। मोस्टली लोग जॉब चेंज करते हैं क्योंकि ज़्यादा पैसा मिलता है और नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, नए डोमेन सीखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एक कंपनी से आपने जॉब छोड़ी, दूसरे की ज्वाइनिंग अभी 8 दिन के बाद है, 10 दिन के बाद है, तो बीच में आप 8-10 दिन अनएम्प्लॉयड हो गए या नहीं हो गए। यूजुअली डिफरेंस आ ही जाता है कि एक कंपनी बोलती है कि आप इस डेट से ज्वाइन करना, पहले वाली बोलती है कि अभी हमें आप इतना समय तक नहीं ड्रॉप कर सकते, अभी आपको पहले टाइम पीरियड पूरा करना होगा। अब आपने वो टाइम पीरियड पूरा करा, इतने सामने वाली बोलती है अच्छा आप 15 दिन बाद आना। तो यूजुअली ये टाइम गैप हमें देखने को मिलता है कि एक छोड़ दी और दूसरी अभी ज्वाइन नहीं करी, ऑल्दो आपको पक्का जॉब मिलनी तय है बट अभी नहीं कर पाए,
तो वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है? फ्रिक्शनल. कौन सा होगा? फ्रिक्शनल. दूसरा होता है स्ट्रक्चरल. दूसरा कौन सा होगा? स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया. स्ट्रक्चर मतलब रिक्वायरमेंट किसी अलग प्रकार के वर्कर की है और आपकी स्किल अलग प्रकार की है. जब शुरू शुरू में बैंक्स में कंप्यूटर्स आए तो बैंक्स एम्प्लॉई को बोला गया कि पहले आप कंप्यूटर चलाना सीखो तब आपको जॉब मिलेगी. जब तक आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तब तक जॉब्स आपको नहीं मिलेंगी. अभी आने वाले टाइम में, अभी तक जो मार्केटिंग हो रही थी वो सारी की सारी मैनुअल मार्केटिंग हो रही थी. अभी जितने भी मार्केटिंग के लोग हैं उन्हें डिजिटल मार्केटिंग आना ज़रूरी है, उन्हें नए नए टाइप्स ऑफ मार्केटिंग आना ज़रूरी है. तो जब तक वो नहीं सीखेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? डिजिटल मार्केटिंग की. अगर वो वही अपनी पुराने वाली मैनुअल मार्केटिंग लेके घूम रहे हैं तो वो किसी काम की नहीं है. तो जब तक आप एज पर नीड काम नहीं सीखते तब तक आप अनएम्प्लॉयड रहोगे या नहीं रहोगे, तो उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, कि रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर्स कुछ और है और अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स कुछ और है. सही हो गया. तो ये हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट में भी दो प्रकार की क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट होती है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल. इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. इसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से. वॉलेंट्री मीन्स बाय योर विश. ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं, यूजुअली लोग वेज रेट की वजह से करते हैं कि मुझे कोई काम मिल रहा है बट उसमें पैसा इतना अच्छा नहीं मिल रहा, तो हमने कहा हमें नहीं करना, ये हमारा जो स्किल है उसको मैच नहीं करता. भाई जितनी एबिलिटी है उस हिसाब से पैसा भी तो मिलना चाहिए, तभी तो करोगे. ये थोड़ा ना इतना पढ़ के और फिर भी पैसा ना मिले तो क्या फ़ायदा. तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी स्किल को मैच करने वाला काम होना चाहिए. अगर स्किल को मैच नहीं कर रहा तो लोग बोलते हैं हम ये जॉब नहीं करेंगे. तो बताओ क्या वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है या नहीं है? काम मिल रहा है लेकिन क्योंकि उतना पैसा नहीं मिल रहा तो वो लोग काम नहीं करना चाहते, उसको क्या बोलते हैं हम? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. और इनवॉलेंट्री क्या होता है? काम नहीं है. इनवॉलेंट्री का मतलब काम नहीं है. कोविड के टाइम पे ऐसे ही हुआ था, लोग ढूंढ रहे थे कि काम मिल जाए लेकिन काम, भाई सब कुछ बंद था, काम कहाँ से होना था? कौन पैसे देगा जब कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, इकोनॉमी चल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर काम कहाँ से मिलना था? तो उसको क्या बोला गया? कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जो विलिंग भी है और एबल भी है और उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो उसको बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री. ठीक है, और अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करना चाहता तो फिर वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आता है? वही लोग जिन्हें लगता है कि हमें पैसा कम मिल रहा है, या कुछ लोग थोड़ा मस्ती करने वाले होते हैं, है ना. अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एक बहुत अच्छी जॉब है और उसने अभी पीछे 45 डेज का लीव लिया हुआ था. मैंने उसको बोला, मैं 45 दिन का लीव क्या बात होगी? कह रहा वैसे ही नहीं मन है काम करने का. मैंने कहा बढ़िया है भाई, क्या जिंदगी है, नहीं करना काम. तो वो कौन सा बेरोजगार है? वॉलेंट्री. ठीक है, अब ये हर कोई नहीं कर सकता, कहीं तुम भी ऐसे प्लान्स बना लो 45 दिन के. उसका तो सैलरी पैकेज बहुत बढ़िया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, वो ऑलरेडी इतने सालों से 8-10 साल से काम कर रहा है और पैकेज बहुत अच्छा है, बहुत रेप्यूटेड कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे है. तो उनके यहाँ तो एक ट्रेडिशन है कि यूजुअली हर एम्प्लॉई 20-25 दिन का फैमिली लीव लेते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह पोस्टेड है जहाँ पे वो फैमिली से दूर है. तो कम से कम 40-45 दिन तो घर जाके रहे ना इंसान, जब अपने घर जाए, कि पूरा साल फिर उसको बाहर ही रहना है. तो जब आएगा तो 30-40 दिन तो परिवार के साथ रहे, तो उसको कौन सा अनएम्प्लॉयड है? वॉलेंट्री. ठीक है जी, इसी के साथ बेटा आपका ये वाला चैप्टर हो जाता है समाप्त. इसके बाद हम करेंगे नया चैप्टर शुरू. सबसे पहले इसको कंप्लीट करो जी. इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर. ठीक है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, यहाँ से आपके पास बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस हाई हैं.
मतलब जो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो इस चैप्टर से आएगा, 5 नंबर का सवाल यहीं से आना है, और मुश्किल से मुझे लगता है 20 से 25 मिनट में आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में, बहुत सिंपल सा है। 2 ही टॉपिक्स हैं इसके अंदर, एक इनकम डिटर्मिनेशन और एक मल्टीप्लायर। दोनों में से एक आपके पास 5 नंबर में आना कन्फर्म्ड है, आपके एग्जाम में 5 मार्क का एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। तो इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर होता क्या है? सबसे पहली चीज, 2 टॉपिक्स हैं, एक इनकम डिटर्मिनेशन और एक मल्टीप्लायर। सबसे पहले इनकम डिटर्मिनेशन सीखो। इनकम डिटर्मिनेशन का मतलब आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ढूंढ रहे हो इकोनॉमी में, कि इकोनॉमी में वो कौन सी लेवल ऑफ इनकम होगी जहां पे प्रोड्यूसर भी खुश और जहां पे कंज्यूमर भी खुश, दोनों ही खुश, इकोनॉमी में फुल बढ़िया काम है, दोनों को काम मिल रहा है और सभी लोग अच्छे से अपना आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी किसने दी? कीन्स। ये थ्योरी किसने दी? कीन्स ने, ये नाम याद रखना। तो इस थ्योरी को कौन सी थ्योरी बोला जाता है? कीनीजियन थ्योरी। इस थ्योरी को हम बोलते हैं कीनीजियन थ्योरी, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी पूरी की पूरी किसने दी थी? कीन्स ने दी थी, ठीक है। जैसे माइक्रो में हम लोग हर चीज़ मार्शल मार्शल का नाम लेते थे कि सबसे बड़ा योगदान किसका है? मार्शल का। सिमिलरली यहाँ पे मैक्रो में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? कीन्स का है, ठीक है। कीन्स ने बोला कि किसी भी इकोनॉमी को अगर इक्विलिब्रियम पे होना है तो वो 2 तरीके से फाइंड आउट करा जा सकता है। कितने तरीके से फाइंड आउट करा जाएगा? 2। तो कीन्स ने आपको 2 अप्रोच दी इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की। कितनी अप्रोच है? 2 अप्रोच है बेटा। सबसे पहली अप्रोच होता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो जाए? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, ठीक है, कि जितने डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। बताओ इकोनॉमी बढ़िया चलेगी या नहीं चलेगी? कि ना तो माल ज्यादा है और ना माल कम है, जितना चाहिए उतना ही है, ठीक है। तो अगर किसी भी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे होना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? AD और AS बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहला अगर आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ढूंढना है तो कौन सा चाहिए? AD और AS बराबर चाहिए, ठीक है। अब AD के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? कंपोनेंट पढ़ के आए हो आप, बस। AD इज इक्वल टू C+I और AS इज इक्वल टू C+S। अगर देखा जाए तो C से C खत्म। क्या मैं दूसरा ऐसा लिख सकता हूं, अगर सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट हो जाए तो भी इक्विलिब्रियम है? इसी के कंपोनेंट से आया ये भी, ठीक है। तो कीन्स ने बोला आपको इक्विलिब्रियम 2 जगह पे मिल सकता है। कौन सी 2 जगह पे? एक तो AD बराबर AS हो और दूसरा सेविंग्स बराबर इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम ढूंढना है तो आपको 2 सिचुएशंस देखनी पड़ेगी कि कहां पे ADS है बराबर और कहां पे सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर, सही है। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद आप वापस से चलो अपनी उसी वाली टेबल के ऊपर कि अगर मुझे अब इक्विलिब्रियम लिखना ही हो तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालो इक्विलिब्रियम यूजिंग ADAS अप्रोच। इक्विलिब्रियम यूजिंग ADAS अप्रोच, हमें किस प्रकार से इक्विलिब्रियम मिल सकता है? कौन सी अप्रोच को यूज करते हुए? ADAS अप्रोच को यूज करते हुए, ठीक है। इसके अंदर फटाफट से लिखो, अकॉर्डिंग टू कीनीजियन थ्योरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम is determined when AD is equal to AS, when AD is equal to AS। इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा? जब AD किसके बराबर हो? AS के बराबर हो, ठीक है। इसके बाद आपको सीधा सीधा AD और AS को थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन में डिफाइन कर देना है कि AD has 2 components C+I और AS has 2 components C+S। उसको दो दो लाइन में डिफाइन कर देंगे, फिर हम वही अपनी पुरानी वाली टेबल बनाएंगे। कौन सी वाली टेबल? इनकम कहां से शुरू हो रहा है? 0, 100,
200, 300, 400, 500 और कंजम्पशन 40, फिर 120, 200, 280, 360, 440 और 520. ठीक है जी, इनकम आ गया, कंजम्पशन आ गया, उसके बाद सेविंग्स. ठीक है, उसके बाद सेविंग्स बताओ जी. 0 माइनस 40, माइनस 20, 0, फिर 20, 40, 60 और इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस लेना है, याद रखना 40 ले लेना. इन्वेस्टमेंट को हमें लेना है 40. ठीक है जी, अब बताओ एडी कैसे निकलेगा. एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो सी प्लस आई ने जोड़ दो, 40 प्लस 40, फिर 120 प्लस 40, फिर 400, फिर उसके बाद 560. ठीक है जी, ये आपके पास आ गया एडी. सही है, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस. ठीक है, लेकिन हमें पता है कि एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम भी होता है, तो क्या सेम टू सेम लिख दूं. अगर वैसे करोगे तो भी यही आएगा, 40 माइनस 40 जीरो, 120 माइनस 120 100, 200 प्लस जीरो 200. इनकम और एएस एक ही होता है. ठीक है, तो सेम आएगा वही, जीरो लो जी. अब इस टेबल में बेटा आपको याद रखना है कि हमें एक चीज और लेनी है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट. उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट, क्योंकि हमें ना इक्विलिब्रियम ढूंढना है. अब इक्विलिब्रियम में आपको एक तरफ से इनकम का भी इक्विलिब्रियम वही होता है और आउटपुट का भी इक्विलिब्रियम वही होता है और एम्प्लॉयमेंट का भी इक्विलिब्रियम वही होता है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनकम से पहले एक और चीज ले लेनी है, जिसको क्या बोलना है, बस और कुछ नहीं. ये आउटपुट ले लिया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 की. इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं इकोनॉमी में. ये जीरो बना रहा था तो कोई भी इनकम नहीं था, 10 यूनिट प्रोड्यूस करे तो 100 रुपए का इनकम हो गया, इस तरीके से. ठीक है, आपने यहाँ पे क्या ले लिया, आउटपुट भी ले लिया. अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आपको एडीएस कहाँ पे बराबर दिख रहे हैं. एडीएस कहीं पे इक्वल है क्या, कहाँ पे, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम है. ठीक है, सिमिलरली क्या आपको यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर दिख रहे हैं. देखो, इसीलिए कीन्स ने बोला कि अगर आपको कभी भी इक्विलिब्रियम निकालना हो तो इक्विलिब्रियम निकालने कितने तरीके हैं, दो, या तो एडीएस या फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, लेकिन अभी हम क्योंकि एडीएस अप्रोच लिख रहे हैं तो वहां पे आप एग्जाम में सिर्फ इसको बॉक्स में करके आओगे. ठीक है, और इसको क्या बोल दोगे कि आप ये क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम, दैट इज एडी बराबर एएस. एडी किसके बराबर है, एएस के बराबर है. इक्विलिब्रियम से पहले क्या होता है बेटा, एडी इज ग्रेटर देन एएस और उसके बाद एडी इज लेस देन एएस. इक्विलिब्रियम से पहले ग्रेटर देन और इक्विलिब्रियम के बाद लेस देन. इसके बाद हम क्या करेंगे, ये टेबल बना ली, पुराने वाली टेबल है. टेबल के बाद अब हम कर्व बनाएंगे. क्या बनाना है अब हमें, कर्व. अगर मुझे एडीएस का कर्व बनाना हो तो वो कैसे बनता है जी, फ्री हैंड कर्व बना देंगे. इधर आप क्या ले लोगे, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट. इधर एडी और एएस, ये क्या बन गया हमारा एएस, ये क्या बना एएस, और उसके बाद यहां से क्या बन गया एडी. ठीक है, तो जहां पे एडी और एएस बराबर हुए, जहां पे एडी और एएस बराबर हुए, इसको क्या बोल देते हैं हम, इक्विलिब्रियम. ठीक है, इसको क्या बोल दिया, इक्विलिब्रियम. सही हो गया बेटा, समझ में आ गया अच्छे तरीके से.
सही है जी। चलो अब एक सवाल पूछता हूं मैं विवेक से। विवेक एक बात बताओ भाई, ये ब्रेक इवन पॉइंट क्यों नहीं है? सिर्फ विवेक और कोई नहीं बोलेगा। अभी तो हमने ये ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था। ओनली विवेक, ये देख, ये ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे? अब बताइए ब्रेक इवन पॉइंट क्यों नहीं है? हाँ जी, तो ब्रेक इवन पॉइंट है या नहीं है? नहीं है। अभी तो ऊपर डायग्राम में बनाया था ब्रेक इवन पॉइंट, तो यहाँ पे कंजम्पशन नहीं है। आप बताओ बेटा, ये ब्रेक इवन पॉइंट है या नहीं है? नहीं है, क्यों? सेविंग जीरो, नियर सेविंग जीरो। अच्छा खुशी, आप बताओ बेटा, आप बताओगे तो बहुत खुशी मिलेगी मुझे। देखो ये जो विवेक ने बिल्कुल सही बताया, ये एडी है, ये सी नहीं है। वहां पे क्या था? कंजम्पशन बराबर इनकम, ठीक है। अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है तो इसके नीचे कर्व बनेगा, ये सिर्फ किसका कर्व है? कंजम्पशन का। यहां पे इनकम बराबर कंजम्पशन है, तो इस पॉइंट को क्या बोलूंगा? ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। तो आप लोगों ने जो एडी बनाया था, एडी में तो दो चीजें आती है ना, सी प्लस आई। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ गए? वो एडी अलग कर्व है और सी अलग कर्व है। ब्रेक इवन पॉइंट आपको सी और वाई से मिलता है, लेकिन इक्विलिब्रियम आपको एडी एएस से मिलता है। क्लियर हुआ? ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसकी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। तो ये एडी और एएस की हम लोग बात कर रहे थे, तो आपको इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा बेटा जी? इस पॉइंट पे, जिसको हमने बोल दिया पॉइंट ई, ठीक है। उसके बाद बस आपको इसको थोड़ा सा दो चार लाइन में एक्सप्लेन कर देना है कि इक्विलिब्रियम कहां पे मिल रहा है, एट पॉइंट ई, सही है। और जो इसके नीचे आउटपुट है, इसको ओ ले लो, इसको वाई ले लो, ये ओ वाई इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। बस सीधा सीधा इसको डिफाइन कर देना है और आपका कार्यक्रम हो जाएगा समाप्त, ठीक है। ओके हो गया, ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे हम लोग। इसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन बना के, व्हाट विल हैपन इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस, इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस, एंड पार्ट बी इफ एडी इज लेस देन एएस। एडी इज लेस देन एएस, क्या होगा अगर एडी ग्रेटर देन एएस हो, और क्या होगा अगर एडी लेस देन एएस हो, ठीक है। अब अगर आप इस कर्व में देखो, तो इससे इक्विलिब्रियम से पहले अगर आप इस एरिया में देखो, क्या एडी ज्यादा है एएस से? देखो एडी ज्यादा है या नहीं है एएस से? और इसके बाद एएस ज्यादा हो गया किससे? एडी से। यानी कि ब्रेक इवन के बाद यहां पे एडी लेस देन एएस है और पहले एडी ग्रेटर देन एएस है, सही है। यानी इस सिचुएशन में इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, और यहां पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। तो पहले हम इसकी बात कर ले, केस नंबर वन लिखो, इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस, If AD is greater than AS, it means consumers and firms, अगर इक्विलिब्रियम आएगा ना बेटा वहां पे, तो सब कुछ लिख के आना पूरा इक्विलिब्रियम का मतलब, उसके बाद टेबल, टेबल के बाद कर्व, कर्व के बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के बाद ये भी, ग्रेटर देन और लेस देन भी, पूरा डिफाइन करके आना पांच नंबर में। ऑल दो ये छह नंबर में आता था यूजुअली, लेकिन अब पांच का ही मैक्सिमम है, क्या करें, क्वेश्चन तो वही पूछेगा, लेकिन छह की जगह कितने में पूछेगा? पांच में पूछेगा। तो कोई बात नहीं, चलो हमें तो लिखना ही है, ठीक है। क्या लिखा जी? इट मीन्स कंज्यूमर्स एंड फर्म्स टुगेदर, कंज्यूमर्स एंड फर्म्स टुगेदर आर विलिंग
buying more goods are willing to buy more goods than firms are willing to produce. Are willing to buy more goods than firms are willing to produce. मतलब कि जो consumers और firms हैं वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं जितना फर्म बना रही है, जितना बन रहा है उससे ज्यादा डिमांड हो रही है बाजार में. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. एज अ रिजल्ट अब बताओ, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो जितना आप स्टोर करने की सोच रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं 100 यूनिट बनाता हूँ, 60 यूनिट की डिमांड हो जाएगी, 40 मैं इन्वेंट्री मेंटेन कर लूंगा आगे बेचने के लिए फ्यूचर में. लेकिन अगर डिमांड ही 80 हो जाए तो मेरी इन्वेंट्री 20 रह गई. इन्वेंट्री कम हो गया या नहीं हो गया? तो एज अ रिजल्ट द प्लैंड इन्वेंट्री वुड फॉल. प्लैंड इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल. अब मुझे बताओ, इन्वेंट्री कम रह गया, जितना मैं स्टॉक मेंटेन करना चाह रहा था वो स्टॉक कम रह गया, तो अब उस स्टॉक को पूरा करने के लिए क्या मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो थर्ड पॉइंट से लिखेंगे, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू डिजायर्ड लेवल firms would resort to increase in employment and output until the economy is back at the level when AD is equal to AS. तब तक हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जब तक इकोनॉमी वापस से किस लेवल पे नहीं आ जाती, इस OY लेवल पे, जहां पे AD किसके बराबर है? AS के बराबर है. ठीक है, सेकंड केस क्या था हमारे पास? When AD is less than AS. तो दूसरा केस क्या बनेगा बेटा? When AD is लेस देन AS. अब यहां पे बताओ क्या हो रहा है, जो कंज्यूमर्स और फर्म्स हैं वो कम डिमांड कर रहे हैं एज कंपेयर टू जितना फर्म्स ने सोचा था. ज्यादा डिमांड नहीं हो रही. ठीक है, तो अब आप बताओ, अगर ज्यादा डिमांड नहीं हो रही तो इस बार इन्वेंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी, है ना? मैंने सोचा था कि 100 यूनिट बनाऊंगा, 60 की डिमांड हो जाएगी, 40 स्टोर कर लूंगा, डिमांड हुई सिर्फ 30 की. कितना इन्वेंट्री हो गया? 70 का इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री बढ़ गया. अब बताओ, आपके पास ऑलरेडी इतना माल पड़ा हुआ है तो क्या आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे या कम करोगे? कम करेंगे. इस बार प्रोडक्शन कम करेंगे सिमिलरली इनकम भी कम होगा, सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा. लेकिन हम वापस से कहां पे आएंगे? इसी लेवल पे आएंगे, इक्विलिब्रियम लेवल पे. लिख पाओगे इसको एज इट इज? मैं बता देता हूँ क्या लिखना है इसके अंदर. व्हेन इट इज लेस देन एस, इट मींस कंज्यूमर्स एंड फर्म्स टुगेदर वुड बी बाइंग लेस गुड्स. ऊपर था मोर गुड्स, यहाँ पे क्या आएगा? लेस गुड्स. ठीक है, एज अ रिजल्ट प्लैंड इन्वेंट्री वुड राइज. इस बार इन्वेंट्री क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. उसके बाद जब आपके पास अनवॉन्टेड इन्वेंट्री है तो थर्ड पॉइंट बनेगा, टू क्लियर द अनवॉन्टेड इन्वेंट्री फर्म्स वुड प्लान टू डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट अंटिल द इकोनॉमी इज बैक एट अ लेवल व्हेन इट इज इक्वल टू एस. खत्म. ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स सही हो गया. इस अप्रोच को क्या बोलते हैं बेटा? कौन सा अप्रोच? ADAS अप्रोच. सही है जी. अब इसके बाद हमारे पास दूसरा अप्रोच कौन सा आएगा? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इक्विलिब्रियम यूजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स अप्रोच. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इक्विलिब्रियम यूजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच.
ठीक है, अब इस अप्रोच ने क्या बोला, फिर से वही, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल इज अटेन्ड व्हेन सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. पहले क्या बोल रहा था, व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस, अब क्या बोल रहा है, व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. फिर सेम टू सेम वही टेबल बनेगी, ठीक है. उस टेबल में अब आपको एडी और एएस निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधा सीधा एस और आई पे रुक सकते हो, ठीक है. मतलब अभी तो हमने ये ऊपर वाली टेबल में एडी और एएस भी निकाला था ना, क्योंकि हमें एडीएस अप्रोच दिखानी थी, लेकिन अब मुझे यही दिखानी है, तो ये एक दो तीन चार चीजों से भी काम चलेगा. सिर्फ और सिर्फ मैं क्या दिखा रहा हूँ, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच दिखा रहा हूँ. तो अब बेटा इसके बाद जो कर्व बनेगा, वो कर्व कैसे बनेगा जी, आपके पास जो सेविंग्स होती है वो नीचे से शुरू होती है, नेगेटिव से, तो ये हो गई आपकी सेविंग्स, और इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस होता है. इन्वेस्टमेंट तो कैसा होता है, ऑटोनॉमस होता है. तो आपके पास ऐसा ही अप्रोच ये है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है. और इसके नीचे जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा, यानी वो ये ओ और ये वाई, तो यही जो लेवल है, यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है. तो इस अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट आपको कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं. ऊपर वाले अप्रोच में क्या बराबर थे, एडी और एएस, इसमें क्या बराबर है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है. बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन वही, क्लियर है जी, सही. इसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है चार लाइन में, वही मैंने पहले आपको करवाया हुआ है, सही है जी. अब इसके बाद क्या सवाल बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन लिखो इसके अंदर. पैटर्न समझ में आ गया, ये अप्रोच कैसे लिख के आनी है, पहले मीनिंग, मीनिंग के बाद उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दो, कंपोनेंट्स के बाद टेबल, टेबल के बाद कर्व, फिर कर्व का एक्सप्लेनेशन चार लाइन में, ठीक है. अब इसमें भी दो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन वही, व्हाट विल हैपन व्हेन केस नंबर वन, ये वाला ऊपर वाला इक्विलिब्रियम से पहले वाला, व्हेन सेविंग इज लेस देन, कम है बेटा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट. और बी पार्ट क्या बनेगा, व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट. तो दो केस है, अगर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा, अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा, सही है. आंसर लिखेंगे इसका, सबसे पहला केस मैंने आपको कौन सा लिखवाया, व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी. केस वन में लिखेंगे इस, इफ सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग कम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इकोनॉमी में सेविंग कम हो रही है, इट मींस खर्चा ज्यादा हो रहा है ना, खर्चा ज्यादा हो रहा था तभी तो इस लेवल पे एडी भी ज्यादा था या नहीं था, क्योंकि सेविंग कम है ना, सेविंग कम है, दैट इज वाई खर्चा ज्यादा हो रहा है, साफ पता चल रहा है. तो फिर से वही सेम टू सेम एडी ग्रेटर देन एएस वाला केस बन गया है, नहीं बन गया, सेविंग कम है तो खर्चा ज्यादा है, इट मींस कि फर्म्स और कंज्यूमर्स जो हैं वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो जितना आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाह रहे थे इतना मेंटेन नहीं होगा, तो आपका इन्वेंट्री लेवल गिर जाएगा, फिर उसको वापस से लाने के लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे, इनकम बढ़ाओगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे, तब तक जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होगा, ठीक है. लिखो जी एक को, व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, इट मींस दैट हाउसहोल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस. हाउसहोल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस, वो कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं और सेव कम कर रहे हैं. Then what the firms expected? जितना firms ने expect करा था उससे कम हो रहा है जो भी काम हो रहा है, ठीक है. Next line से लिखेंगे as a result, the inventory, planned inventory would क्या होगा, फॉल. एज अ रिजल्ट द प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल, आपका जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो क्या हो जाएगा,
गिर जाएगा. द प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल. बिलो द डिजायर्ड लेवल. फिर पॉइंट नंबर कौन सा आएगा, थर्ड. उसके बाद टू ब्रिंग द इन्वेंट्री, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक एट द डिजायर्ड लेवल. टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक एट द डिजायर्ड लेवल. इन्वेंट्री को वापस लाने के लिए डिजायर्ड लेवल पे फर्म्स वुड प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. फर्म्स क्या प्लान करेंगी, फर्म्स वुड प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टिल सेविंग्स बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. टिल सेविंग्स किसके बराबर ना आ जाए, जब तक इन्वेस्टमेंट के बराबर ना आ जाए. ठीक है जी, सही हो गया. और दूसरा केस जस्ट इसका अपोजिट. ठीक है, सेम टू सेम, बस इसका अपोजिट आपको लिख देना है, हो जाएगा. सही है जी. अगर सेविंग क्या हो, ज़्यादा हो. ठीक है, सेविंग ज़्यादा है तो इट मीन्स खर्चा कम हो रहा है, यानी डिमांड भी कम हो रही है, तो AD लेस देन ES वाला केस. सही है, इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल्स, कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम लेवल हो सकते हैं. जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बोला था कि बस इक्विलिब्रियम लेवल एक ही जगह पे होता है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट में. लेकिन कीन्स ने बोला नहीं, हमारे जो इक्विलिब्रियम है वो कितने लेवल पे हो सकता है, तीन लेवल पे हो सकता है. ठीक है, तो जो याद रखना ये भी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो बस एक ही मानते थे कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. लेकिन कीन्स ने बोला नहीं, तीन प्रकार की सिचुएशंस बन सकती है. पहली वाली को क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. दूसरी होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और तीसरी होती है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है, बट अगर एक्चुअल में देखा जाए ना बेटा, तो ये तीसरा वाला देखने को नहीं मिलता हमें. तीसरा वाला हमें देखने को नहीं मिलता, बट टाइप है, एक बताया गया है. क्यों बताया गया है, क्योंकि इसमें प्राइस लेवल बढ़ रहा होता है, इन्फ्लेशन का केस होता है. ठीक है, लेकिन ये दोनों हमें केसेस देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि हम बोलेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक वो पॉइंट है कि जब आपको इक्विलिब्रियम मिल रहा है उस टाइम पे इकोनॉमी पे फुल एम्प्लॉयमेंट है. फुल एम्प्लॉयमेंट आप अभी पढ़ के आए हो ऊपर, कि जहाँ पे जितने भी लोग विलिंग और एबल है उनको काम मिल रहा है. ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में ये बोला गया कि आप इक्विलिब्रियम पे जब पहुंच रहे हो, यानी कि जो आपका AS किसके बराबर है, AD के, ये जो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है इसी लेवल को क्या बोला गया, कौन सा है ये, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कौन सा वाला इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब आपका AD बराबर AS है तो इस लेवल पे जितने भी लोग काम करना चाह रहे हैं उन सभी को काम मिल रहा है. ठीक है, इसको क्या बोल दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अभी तुम्हें इससे एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या था. अंडर एम्प्लॉयमेंट देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हमने बोला कि अगर इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उनको काम देना है, तो यहाँ पे इस लेवल पे AD और AS बराबर होना फुल एम्प्लॉयमेंट. ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट. लेकिन अभी इकोनॉमी में बेटा इतनी डिमांड नहीं है. ठीक है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया ना, इसको बोल दिया OY, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. लेकिन इकोनॉमी में अभी इतनी डिमांड नहीं है, लोग इतनी डिमांड नहीं कर रहे, सामान इतना नहीं बिक रहा, लोगों के पास पैसा कम है, या कोई भी कारण हो सकता है. तो इस सिनेरियो में जो आपका फिलहाल का AD है ना,
वो पहले वाले एडी से कम आ जाता है। अगर डिमांड ही नहीं है तो क्या एडी कम हो जाएगा थोड़ा सा? ठीक है, अब अगर एडी कम हो गया तो अब एडी और एस कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? क्या आप इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? E1 है ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? OZ। ठीक है, फिलहाल अगर देखा जाए तो इकोनॉमी में इतना इनकम होगा, इतना आउटपुट होगा और इतना एम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना चाहिए था? OY। फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहां पे था ना, फिलहाल डिमांड कम है, डिमांड कम है तो इक्विलिब्रियम भी नीचे आ जाएगा। क्या मैं आप बोल सकता हूँ कि अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा यहाँ पे, कि लोग जितना काम करना चाहते हैं उनको उतना काम नहीं मिल रहा? जब भाई इतनी डिमांड ही नहीं है तो काम कहाँ से उतना मिलेगा? ठीक है या नहीं है? तो इस इक्विलिब्रियम को कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है? अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड नहीं है तो उस इक्विलिब्रियम को आप क्या बोलते हो? कौन सा इक्विलिब्रियम? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जो एडी था ये फुल एम्प्लॉयमेंट एडी था और ये एक्चुअल है। सही हो गया? तो आप एग्जाम में, मेरे पास तो दो अलग अलग कलर्स थे तो मैंने अलग से दिखा दिया, एग्जाम में इसको आप डॉटेड लाइंस में बना के आना, ताकि एक स्ट्रेट लाइन और एक्चुअल वाला जो है अभी वो कौन सी लाइंस में बनाओ? बहुत बढ़िया। दूसरा कौन सा आता है? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है जी? लो जी, फिर से सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बना दिया हमने। कौन सा बनाया? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बना दिया। इस बार एडी ज्यादा है, अगर डिमांड ज्यादा हो जाए, अगर डिमांड ज्यादा हो जाए तो आपका ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट था, लेकिन इस बार डिमांड इतनी ज्यादा है तो देखो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए यहां पे था। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो डिमांड है वो ज्यादा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये वाला जो इक्विलिब्रियम है इसको क्या बोलते हैं? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारे यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया था, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उन्हें काम मिल भी गया, तो क्या अब उससे ज्यादा काम हो सकता है? भाई जितने भी लोग काम करना चाह रहे थे उन्हें सबको काम तो मिल ही गया ना, तो इससे आगे तो इकोनॉमी वैसे ही नहीं जा सकती। तो यानी कि इस सिचुएशन में हम आउटपुट भी नहीं बढ़ा सकते, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ा सकते, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट करता है, महंगाई होगी यहाँ पे सिर्फ। सिर्फ क्या होने वाली है? महंगाई। महंगाई क्यों होगी? क्योंकि इकोनॉमी पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच चुकी है, अब इससे ज्यादा काम तो है ही नहीं ना, लेकिन डिमांड तो अब भी उतनी है, बढ़ी हुई है डिमांड। तो जब डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, सप्लाई कम रह जाएगी, तो उस सिनेरियो में आपको क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लेशन, महंगाई देखने को मिलेगी। तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में एक्चुअल एडी ऊपर बनाना है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में नीचे बनाना है, और फुल एम्प्लॉयमेंट में तो एक ही बनी रहा है, एडी बराबर एएस। समझ में आ गए? तीनों प्रकार के, एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, और एक होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ क्या बन गए हमारे? ये इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बेटा एक लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर डाल दो जी, हेडिंग डाल दो फटाफट, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर डाल दिया बेटा हेडिंग। ठीक है, मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान से देखनी है, जो ध्यान से सीखनी है। इसके अंदर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास? सबसे पहले होता है मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर,
मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन है किसके साथ, एमपीसी के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए. बस ये बेसिक इससे 3 से 4 सवाल बनते हैं, ठीक है. इससे ये इस प्रकार के 3 से 4 सवाल बनते हैं कि मल्टीप्लायर होता क्या है, मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, मल्टीप्लायर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, और मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अप्रोच से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. आने के चांसेस ज़्यादातर इसी के होते हैं, और अगर इसका वर्किंग नहीं आएगा तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा. क्वेश्चन तो इस पर बनना ही बनना है, 100% आएगा इस पर क्वेश्चन. तो ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पे आने वाला है 100%, ठीक है. होता क्या है जी मल्टीप्लायर, डिटेल में हम इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे. वैसे ओवरव्यू ले लो, क्या है मल्टीप्लायर बेसिकली, कि एक थियरी ने ये बोला कि इकोनॉमी में जब भी इन्वेस्टमेंट होगा, जब भी इन्वेस्टमेंट होगा तो उस इन्वेस्टमेंट से कई गुना इनकम जनरेट होगी. मतलब अगर आपने 100 रुपये खर्च करे तो 100 रुपये से कई गुना इनकम जनरेट होगी, शायद 150, 200, 300, 500 कितनी भी हो सकती है, ठीक है. इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर. ओके, तो मल्टीप्लायर क्या बोलता है कि एक इकोनॉमी में जब भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो उस इन्वेस्टमेंट से कई गुना इनकम जनरेट होगी. वो इनकम कैसे जनरेट होती है, बड़ा छोटा सा फैक्ट है कि अगर एक इंडिविजुअल का खर्चा होता है तो किसी ना किसी की इनकम होती है. अगर सरकार इकोनॉमी में पैसा डालता है, गवर्नमेंट ने कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, अब अगर गवर्नमेंट ने कोई मेडिकल कॉलेज बनाया तो उस मेडिकल कॉलेज को बनाने में कितने लोगों को काम मिलेगा, सीमेंट वाले से सीमेंट आएगा, रेत आएगा, बजरी आएगी, लेबर को काम मिलेगा. अब वो सीमेंट वाला आगे कितने लोगों को पैसा बांटेगा, अपने स्कूल की फीस देगा, बच्चों की इलेक्ट्रिसिटी का बिल देगा, मतलब कितने लोगों तक वो पैसा फैलेगा. तो क्या एक इन्वेस्टमेंट से कई गुना इनकम जनरेट होगी या नहीं होगी, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है. तो मल्टीप्लायर का मतलब क्या है बेसिकली, कि क्या जब एक इन्वेस्टमेंट होगी तो उस इन्वेस्टमेंट से कई गुना इनकम जनरेट होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर. बात समझ में आया, लिखो. मल्टीप्लायर इज द रेशो, मल्टीप्लायर इज द रेशो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ब्रैकेट में लिखना डेल्टा वाई, डेल्टा मतलब वो ट्राइंगल, कहीं डेल्टा ही लिख दो, तुम्हारा कुछ नहीं पता. इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी. और इसके बाद फॉर्मूला लिख दो इसका, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. के का मतलब बेटा मल्टीप्लायर होता है. के का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लायर. के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और उससे 1000 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई, तो कितने गुना हो गई, 5 times. याद रखना मल्टीप्लायर हमेशा टाइम्स में होता है, मल्टीप्लायर का जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है, टाइम्स, ठीक है. अब सपोज 100 करोड़ की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी और 800 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई, तो 8 times, ठीक है. तो मल्टीप्लायर में बेसिकली ये है कि आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, और ये बताता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी तो उससे कितने गुना इनकम जनरेट हुई, यही है, ठीक है. इसी को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर. अब इसका कैसे वर्किंग होता है, क्या मिनिमम मैक्सिमम, क्या मल्टीप्लायर एमपीसी, ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास, और अगला चैप्टर भी खत्म करेंगे, उसके बाद यूनिट आपका खत्म हो जाएगा. देखो मल्टीप्लायर से रिलेटेड आपके पास जो टॉपिक्स आते हैं वो कौन कौन से हैं. सबसे पहले मल्टीप्लायर का आपको क्या पता होना चाहिए,
मीनिंग, ठीक है। दूसरा इसका वर्किंग, कैसे ये काम करता है। तीसरा रिलेशनशिप किसके साथ, रिलेशनशिप विद एमपीसी एंड एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस के साथ क्या रिलेशन है। और चौथा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मल्टीप्लायर का कितना मिनिमम वैल्यू होता है, कितना मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसके साथ एक पांचवी चीज और आती है, वो होता है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो मल्टीप्लायर से कितने प्रकार के टॉपिक्स आ सकते हैं आपके पास, पांच प्रकार के, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, मीनिंग। मीनिंग हमने कल सीखा था कि के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इट मींस बेटा कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा, तो उससे कई लोगों के लिए इनकम जनरेट होगी, क्योंकि पैसा तो वही घूमता रहता है ना। ये आपने सर्कुलर फ्लो में भी देखा था, वही पैसा फर्दर आगे 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 चलता रहता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे कई लोगों की इनकम जनरेट होगी, ठीक है। अब ये जो इनकम जनरेशन है ना बेटा, ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है, एमपीसी पे। पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है, एमपीसी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट लिया कुछ प्रोजेक्ट लगाने के लिए, 100 करोड़ का बजट लिया, और गवर्नमेंट ने वो पैसा कॉन्ट्रैक्टर को दिया, और कॉन्ट्रैक्टर ने आगे खर्चा ही नहीं करा, उसने पैसा बस रख लिया, तो बताओ क्या वो इनकम आगे बढ़ेगी, किसी और तक पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी ना। तो इट मींस जब पैसा आता है इकोनॉमी में तो उसमें खर्चा होना भी जरूरी है। कितना खर्चा हुआ क्या, यही एमपीसी दिखाता है। तो बेसिकली इनकम जनरेशन जितनी भी है वो किस पे डिपेंडेंट है, एमपीसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो सारी किसकी हेल्प से जनरेट होगी, एमपीसी की हेल्प से जनरेट होगी। अब इसको समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं वर्किंग को समझने के लिए, ठीक है। हमने सबसे पहले लिख दिया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टेबल साथ साथ बना लो, फिर बाद में तुम लोग कहते हो कि मुझे टाइम नहीं मिला नोट डाउन करने का। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डेल्टा आई से डिनोट कर देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितना आया है इकोनॉमी में। उसके बाद इससे कुछ ना कुछ क्या जनरेट होगी, इनकम। उसको किससे डिनोट करा, डेल्टा वाई से, ठीक है। जितना भी एमपीसी होगा उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कितना कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन हो रहा है, और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं कि कितनी सेविंग्स हो रही हैं, ठीक है। तो आपके पास ये सारी फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं राउंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, राउंड्स लिख रहे हैं। राउंड्स, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि सरकार ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे इकोनॉमी में, ठीक है, किसी लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, या कोई फ्लाई ओवर बना रहे हैं, या कुछ बना रहे हैं, तो पहले राउंड में सरकार ने कितना पैसा इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करा, 100 करोड़। मत खोलना अभी, चिंटू भी आ गया, मुझे पता है, मत खोलना। कितने, कितना पैसा डाला, 100 करोड़ रुपए, ठीक है जी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहले राउंड में जितनी चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही चेंज इन इनकम होता है। भाई गवर्नमेंट ने अगर 100 करोड़ रुपए दिए तो एक बार तो पूरे के पूरे 100 आ गए ना इकोनॉमी में। सरकार पैसा काट के थोड़ी ना दे रहा है, सरकार तो 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है कि इससे मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो पूरे 100 करोड़ आ गए या नहीं आ गए, पूरे के पूरे 100 करोड़ की क्या हो जाएगी, इनकम जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब इस राउंड में क्या होगा, अब डिपेंड करता है कि फर्दर ये 100 करोड़ जहां पहुंचे हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो इसमें से वो कुछ पोर्शन स्पेंड करेगा और कुछ पोर्शन सेव करेगा, या ऐसा हो सकता है कि सारा भी खर्च कर दे, ऐसा भी हो सकता है। बट हम एज्यूम कर रहे हैं एज अ जनरल क्राइटेरिया कि वो सपोज 90% खर्चा कर रहा है। कितना खर्चा कर रहा है, 90%। अगर वो 90% खर्चा कर रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एमपीसी 0.90। एमपीसी क्या बताता है कि अगर क्या चेंज हो रहा है, इनकम चेंज हो रहा है, तो उससे आप कितना कंजम्पशन बढ़ा रहे हो। हमने कितना ले लिया यहाँ पे, 0.90, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर 100 करोड़ की इनकम है और 90% खर्च होगा तो 100 में से कितना खर्च होगा, 90, तो यहाँ पे खर्चा होगा 90, तो सेविंग कितनी होगी, 10। सेविंग कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। अब ये जो खर्चा हुआ
ये खर्चा भी किसी ना किसी की इनकम है। उस कॉन्ट्रैक्टर ने स्कूल की फीस दी तो स्कूल की इनकम, उस कॉन्ट्रैक्टर ने वीट राइस बाय करे तो जिससे बाय करे उसकी इनकम, कोई वेजिटेबल बाय करे तो उसकी इनकम। तो इकोनॉमी में ये घूम के 90 की इनकम आ गई या नहीं आ गई, राउंड टू में आई या नहीं आई। इन्वेस्टमेंट वही चल रही है, वही 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, उसी से 100 की इनकम पहले राउंड में हो गई और दूसरे राउंड में 90 की इनकम हो गई। अब जिसकी भी 90 की इनकम हुई वो फिर से क्या इसका 90% स्पेंड करेगा? जनरल क्राइटेरिया, 90 में से वो कितना सेव कर देगा? 9 सेव कर देगा। खर्चा कितना कर देगा? 81। खर्चा कितना करेगा? 81। अब वो जब खर्चा करेगा क्या फिर से किसी ना किसी की इनकम? ठीक है, तो फिर से हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? 81। देखो क्या हो रहा है, बेसिकली जितना भी इनकम जनरेट हो रहा है क्या वो इक्विवेलेंट टू कंजम्पशन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? जितना कंजम्पशन यहाँ पे हो रहा है उतना ही यहाँ पे इनकम हो रहा है। फिर 90% खर्च हुआ, वही किसी ना किसी का इनकम हो गया। अभी फिर से 90% खर्च होगा, सेव होगा 8.1, तो यहाँ पे कितना आएगा? 81 में से 8.1 हटाऊं तो 72.9। तो यही 72.9 किसी ना किसी की फिर से क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। तो देखो अब फोर्थ राउंड आ गया, इन्वेस्टमेंट तो वही चल रही है अभी तक 100 करोड़ की, उस इन्वेस्टमेंट से देखो कितनी कितनी इनकम होती जा रही है। ये राउंड्स ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही राउंड्स चलते रहेंगे और ऐसे ही इनकम जनरेट होता रहेगा। बट होगा क्या बेटा, देखो ये अब कम होता जा रहा है, ये कम होता 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 एक लेवल पे आके क्या हो जाएगा? बिल्कुल पैसा खत्म। ठीक है ना, बिल्कुल पैसा खत्म हो जाएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो आपको भी ये देखना है कि लास्ट में टोटल इनकम कितना जनरेट हुआ। ठीक है, कितने की इन्वेस्टमेंट से? 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, अब अगर हमें ये चेक करना हो कि यहाँ पे कितना आएगा, एक तरीका तो ये है कि मैं पूरा का पूरा टेबल बनाऊं। अब एग्जाम में पूरा टेबल थोड़ी ना बनाओगे, तो एग्जाम में बस ये 3-4 तक आपको बनाना है, उसके बाद ऐसे ही डैश लगा के एक फॉर्मूला यूज करना है मल्टीप्लायर का, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है, K=1/(1-MPC). ठीक है, अब एमपीसी की वैल्यू बताओ कितनी आई थी? 1-0.90, इसका मतलब 1/0.10। ठीक है, तो अगर इसको कर दूं मैं, यहां से पॉइंट हटाऊं तो यहां 2 जीरो आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, कितना वैल्यू आ गया? 10 times। इसका मतलब कितने गुना इनकम जनरेट होगी? 10 times, 10 गुना इनकम जनरेट होगी। तो मुझे बताओ अगर 100 करोड़ लगाए तो 100 का 10 times कितना कितना आएगा बेटा? 1000। कितना इनकम जनरेट होगा? 1000 करोड़। ठीक है, 1000 का 90%, तो यहां कितना आ जाएगा? 900, और बाकी बचा हुआ 100। ठीक है, तो बेसिकली ये टेबल कहां पे खत्म होती है, अगर आपको वेरीफाई करना हो कि जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी क्या आनी चाहिए? सेविंग्स आनी चाहिए। सही है क्या? ये मल्टीप्लायर का वर्किंग है जो आपको पता होना चाहिए। ये क्लियर हुआ क्या? ठीक है, बस आप सिंपल इस तरीके से चलते रहो। उसके बाद एमपीसी की मदद से ये निकाल लो कि कितने टाइम्स आएगा, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो बस, सिंपल। सही, अच्छा आप मुझे ये बताओ, अब एमपीसी को अगर मैंने आपको क्या बोला कि इनकम किस पे बेस थी? कंजम्पशन पे, जितना वो एक्चुअल एडिशनल कंजम्पशन कर रहा था। अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल 0.50 ले लेते, सपोज 0.50 ले लेते, तो फिर 0.50 के बाद देखना फॉर्मूला में लगा के कितने टाइम्स आएगा? 1/(1-MPC), यानी 1/(1-0.50) कितना, क्या 2 times आ जाएगा? आएगा या नहीं आएगा? कितना टाइम्स आ जाएगा? 2 times। अब देखो जब मैंने 0.90 लिया हुआ था तो कितने टाइम्स आ रहा था? 10 times। 0.50 कर दिया तो कितना आ गया? 2 times। इसका मतलब अगर एमपीसी कम करा तो क्या मल्टीप्लायर भी कम हो गया? उतनी ही इनकम कम मल्टीप्लाई हुई या नहीं हुई? और अगर बढ़ रहा हो 50 से 90 पे जाओ तो क्या ये भी 2 से 10 पे चला जाता है? इट मीन्स क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एमपीसी और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशनशिप है? एमपीसी और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन।
ठीक है, कि अगर मल्टीप्लायर बढ़ के आ रहा है तो वो किस वजह से बढ़ के आ रहा होगा, कि एमपीसी बढ़ के आ रहा होगा, और अगर कम हो के आ रहा है तो इट मीन्स एमपीसी कम हो के आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लायर में और एमपीसी में क्या रिलेशन है। तो हमने सबसे पहले मीनिंग देखा, मीनिंग क्या था बेटा, कि कितना एडिशनल इनकम जनरेट होता है अगर इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसके बाद वर्किंग देखा, वर्किंग में आपको ये पूरा का पूरा टेबल बना के आना है। उसके बाद रिलेशनशिप विद एमपीसी देखा, कैसा रिलेशनशिप निकल के आया, डायरेक्ट। अब अगर एमपीसी डायरेक्ट आया तो एमपीएस में ऑब्वियसली कैसा आएगा, इनवर्स। एमपीएस में कैसा आएगा, इनवर्स। ये तो आपको फॉर्मूला से ही पता चलना चाहिए। 1 माइनस एमपीसी को क्या मैं एमपीएस बोल सकता हूँ, 1 माइनस एमपीसी को क्या बोल सकते हैं, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। यहीं से दिख रहा है इनवर्स, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इनवर्सली वेरिएबल प्रोपोर्शन दिख रहा है आपको ये, ठीक है। अब k के कितने फॉर्मूलाज हो गए बेटा, अगर आपको k के फॉर्मूलाज देखने हो तो कितने हो गए, k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, नंबर एक। नंबर दो, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और नंबर तीन, k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। ये आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि k के कितने फॉर्मूलाज बनते हैं, 3 फॉर्मूलाज बन जाते हैं बेटा जी। ये चीज़ क्लियर हो गई, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलाज। अब देखो, मीनिंग पढ़ लिया आपने, वर्किंग पढ़ लिया, रिलेशनशिप पढ़ लिया, अब क्या आता है हमारे पास, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मुझे बताओ मल्टीप्लायर किस पे बेस्ड है, अभी सीखा आपने एमपीसी, हाँ या ना, एमपीसी पे बेस्ड है जितना खर्चा हो रहा है। सवाल मेरा ये है आपसे कि ओम बेटा बता, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है मल्टीप्लायर की, मल्टीप्लायर की तो मैंने पढ़ाई नहीं अभी, तुमने कैसे बता दी 0 और 1, एमपीसी की बता। अच्छा, अब 0 और 1, यस। एमपीसी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एमपीसी कम से कम 0 होगा और ज्यादा से ज्यादा इसके बीच में तो होगा ही होगा, है ना, 0.1, 0.2, 0.4, 0.9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। अगर अब हम फॉर्मूला में रखें, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, कितना 1 आ गया, यानी मल्टीप्लायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1। ये हमने टेबल से भी सीखा था कि जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट 100 का है तो कम से कम 100 की इनकम तो होगी ही होगी, यानी एक गुना तो होगा ही होगा, हाँ या ना। अगर ये सब कुछ भी सेव कर ले तब भी इसकी इनकम तो हो ही गई ना 100 करोड़ की, हो गई या नहीं हो गई। और अगर मैक्सिमम हमें देखनी हो तो 1 कर रख के देख लो, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इज कितना, 0, 1, इनफाइनाइट। कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इनफाइनाइट किसी को भी नहीं पता, कितने गुना इनकम जनरेट हो जाए किसी को भी नहीं पता, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टीप्लायर की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है या किस पे बेस्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, एमपीसी पे बेस्ड है। अगर मिनिमम 0 है एमपीसी तो मल्टीप्लायर 1 है, अगर एमपीसी 1 है तो मल्टीप्लायर इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कितना होगा, कई गुना इनकम जनरेट हो सकती है। ये चीज़ क्लियर है जी, परफेक्ट है। तो आपके पास यही सारे टॉपिक्स हैं जो किस में आते हैं, मल्टीप्लायर में आते हैं, मीनिंग, वर्किंग, रिलेशनशिप एमपीसी एमपीसीएस के साथ, एमपीसी के साथ डायरेक्ट, एमपीएस के साथ इनवर्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो कि आपने बता दी 1 से इन्फिनिटी, ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स तो हम सारे के सारे एक साथ कर लेंगे। अभी हमें देखना है कि हमारे पास सीबीएसई में, मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन छुड़वाया था, है ना, सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने दिया है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ रहा है बेटा, चॉइस वाला जो सेकंड पार्ट है उसमें बोल रहा है कि एमपीसी 0.8 है, बस बोर्ड पे ध्यान देंगे, एमपीसी 0.8, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000,
डेल्टा आई 1000, आपको चेंज इन इनकम निकालनी है, चेंज इन इनकम निकालनी है, ठीक है। तो क्या आप चेंज इन इनकम निकाल सकते हो? आपके सामने तीन फॉर्मूलाज हैं, ये वाले जो तीन फॉर्मूलाज हैं, इन तीन फॉर्मूलाज को यूज करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एमपीसी 0.8, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर एमपीसी 0.8 है, क्या सबसे पहले मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल लूं, कितने गुना इनकम जनरेट होगी, है ना? पहले मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालो, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, कितना आ जाएगा, कितना टाइम्स आया, 5 टाइम्स। यानी कि जितना भी इन्वेस्ट करोगे उसके कितने गुना इनकम जनरेट होगी, 5 गुना। कितना इन्वेस्ट करा है, 1000, तो कितने इनकम होगी, 5000। सीधा सीधा k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, 5 इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन 1000, तो चेंज इन इनकम शुड बी 5000। सिंपल, 2 मार्क का न्यूमेरिकल इस तरीके से आ सकता है, आसान सा न्यूमेरिकल मल्टीप्लायर पे बेस्ड बन सा है, ठीक है। ये इसलिए छुड़वाया था क्योंकि तब करवाया नहीं था मैंने, ठीक हो गया बेटा जी। तो इस प्रकार से आपको एमपीसी और के इसके साथ खेलना आना चाहिए, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक और, क्या है जी, हेडिंग डालो, डायग्राम, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर। मतलब आपसे डायग्राम भी पूछ सकता है कि मल्टीप्लायर का डायग्राम बना के दिखाओ, कैसे डायग्राम बनेगा। तो बहुत सिंपल है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वही ADS अप्रोच बनानी है। ADS अप्रोच बनानी आती है, कैसे बनता है, आपके पास ये 45 डिग्री AS, ये आपके पास AD, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम। क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम के नीचे जो इनकम आती है ये OY, क्या यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है, क्या यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होता है, क्या यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। और इधर हमने क्या लिया था, AD और AS। लक्ष्य AD के कॉम्पोनेंट्स बोल क्या होते हैं, C+I। AD के कॉम्पोनेंट्स कौन से होते हैं, C+I। अब मल्टीप्लायर का वो बता विवेक, डेफिनेशन अभी पढ़ा था, हाँ हिंदी में बता दे, वैसे समझा दे मुझे, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं चाहिए, हाँ, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो उससे इनकम कितनी मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट जितनी भी ली हुई है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा तो क्या ये AD बढ़ जाएगा, इनकेस इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा तो AD बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मैंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो मेरा AD यहाँ ऊपर आ गया, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, AD इज इक्वल टू C+I+ Δi, जितने भी एक्स्ट्रा करी लिख दिया। अब चेक करो कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करा, अब ADS यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या ये नया इक्विलिब्रियम आ गया। तो इससे अगर देखूं, क्या ये नया इनकम आ गया, अगर आप देखो तो इनकम Y से Y' तक बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो उससे क्या बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गया। बस ऐसे आपको मल्टीप्लायर का प्रेजेंटेशन दिखा के आना है, ठीक हुआ, सिंपल। कि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट करा तो उससे इनकम में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर मैं कम कर दूं बेटा, ये बनाना नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, अगर कम कर दूं तो कम हो जाएगा, सीधी सीधी सी बात है, ये बनाना नहीं है, वैसे ही देख लो, अगर मैं कम कर दूं तो ये नीचे आ जाएगा कि AD इज इक्वल टू C+I - Δi। तो अब ये हो गया, तो उससे आपकी इनकम जो है वो इतनी कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बनाना नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ, एग्जाम में बस वो ऊपर वाला ही बना के आना है, क्योंकि यूजुअली इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है, कम हम कभी नहीं दिखाते, ठीक है। तो दिस इज हाउ मल्टीप्लायर वर्क्स। मल्टीप्लायर के सारे टॉपिक मैंने आपको करा दिए, मीनिंग आ गया, वर्किंग आ गया, उसके बाद आपका टेबल पूरा देख लिया आपने, रिलेशनशिप देख लिया MPC MPS के साथ, जो बोर्ड में न्यूमेरिकल आया हुआ है, जो सैंपल में CBSE ने लेटेस्ट दिया है, वो भी हमने कर लिया, उसके साथ और क्या बचा था,
डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बचा था वो भी आ गया, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी आ गया, मल्टीप्लायर में इससे बाहर सवाल नहीं आता। ठीक है जी, ये हमारा हो जाता है मल्टीप्लायर, ये आखिरी टॉपिक इसमें से बचा हुआ था। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी हो जाता है समाप्त। ठीक है, शुरू करेंगे सबसे पहले एक्सेस डिमांड के मीनिंग के साथ। देखो एक्सेस डिमांड होता क्या है, बड़ा ऑब्वियस सा सिनेरियो है कि व्हाट इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब अ सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। यानी हम ये बोलते हैं कि जहां पे भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है ना, एडी उससे कुछ ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग कुछ इस तरीके, जैसे कर्व बना हुआ है, देखो तो मैं इसको समझाने के लिए एक इधर छोटा सा बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये 45 डिग्री का लाइन जो है इनकम और एएस का होता है, उसके बाद यहाँ ऊपर से आपने ये एडी बना दिया, ये एडी, ये एएस। ठीक है, ये एडी जा रहा है, ये एएस जा रहा है, इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये वाला जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट करा, ये ई होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बना के आना है आपको एग्जाम में, नीचे इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और इधर एडी ले लेना। ठीक है, अब क्या होगा, एक्सेस है डिमांड, डिमांड ज्यादा है, एडी क्या होता है हमारे पास सी प्लस आई, सी प्लस आई। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है, अभी एडी ज्यादा होगा, देखो इस तरीके से एडी ज्यादा है, तो अभी इक्विलिब्रियम तो ये मिला, इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, लेकिन ये नहीं दिखाना आपने अभी, इसको क्या बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये नहीं दिखाना हमें, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि बेसिकली एडी कितना ज्यादा है। देखो एडी चाहिए था ये यहाँ पे, लेकिन फिलहाल ये इतना ऊपर है, तो ये एक गैप आ जाता है, इस गैप को एडी, देखो अगर मैं बोलूँ ओ और ये पी, तो इतना एडी चाहिए था, लेकिन अभी ये पी क्यू इतना एक्स्ट्रा है, तो इस गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। सर इन्फ्लेशनरी ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई देखो डिमांड अगर ज़्यादा होती है इकोनॉमी में, किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसमें पैसा बढ़ जाता है, उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं कि यार डिमांड फुल जनता मांग रही है तो महंगा कर दो, है ना। तो ये डायग्राम पूरा बना के आना है इस प्रकार से, यहाँ पे शो करना AD इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ओके, तो दिस इज डन, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस पे लिया, एडी वाई एक्सिस पे लिया, एडी और एस कब इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पे, जिसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ा जिस वजह से एडी बढ़ के एडी वन हो गया, एडी बढ़ के एडी वन हो गया। उसके बाद इट डोनेट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इसी को एक्सेस डिमांड बोलते हैं, और गैप जो आया उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन याद कर लो, एग्जाम में पक्का आएगी। इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एडी एक्सीड्स द एडी रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक्चुअल एडी ज्यादा आ गया, ठीक है। क्यों होता है ये, व्हाट आर द रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड किस वजह से देखने को मिलता है हमें, क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों की खर्चा करने की एबिलिटी बढ़ गई है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा आ गया है, भाई ऑब्वियस सी बात है एबिलिटी बढ़ेगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो उस सिनेरियो में आपका डिमांड बढ़ेगा। टैक्सेस कम कर दिए सरकार ने तो भी डिमांड बढ़ता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार ज्यादा कर रही है, ज्यादा कर रही है तो ब्रिजेस बना रही है, सब कुछ बना रही है, तो जनता में पैसा आ रहा है ना, उस वजह से डिमांड बढ़ती है। इम्पोर्ट कम हो गए, यानी हम बाहर से, हमने चीज़ें मंगानी बंद कर दी, अब बाहर से ना मंगा के अपने देश में से ही चीज़ें बिक रही हैं, इम्पोर्ट कम होते हैं तो डिमांड बढ़ती है। राइज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो भी ऐसा चलता है, ठीक है जी। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है नए नोट छापना, नए नोट छपेंगे तो जनता में पैसा जाएगा, डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो आपको पता है कई गुना इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ेगी, सही है जी। अब एक्सेस डिमांड का क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी में, तीन चीज़ों पे लिख के आना, भाई डिमांड ज़्यादा है आउटपुट तो हम नहीं बना पाएंगे, तो आउटपुट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि हम जनरेट इतनी जल्दी कैसे बनाए इतनी सारी चीज़ें, तो कोई आउटपुट नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट नहीं आता। प्राइस बढ़ जाता है, इसमें प्राइजेस बढ़ जाते हैं आपके, महंगी हो जाती हैं चीज़ें, इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड इससे जस्ट उल्टा होता है, वैसा ही कर्व बना के आना, बिल्कुल सेम, ये एएस, ये एडी, लेकिन डेफिशिएंट में ये कम होगा, नीचे होगा, तो ये जो गैप आएगा अब इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी का मतलब इस बार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि डिमांड कम है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। फिर से इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एक्स पे लिया है, एडी वाई पे लिया है,
एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ये वाला पॉइंट ई, इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से एडी आपका कम हो गया इस बार, वहां बड़ी थी तो एडी बढ़ गया था, इसी को आप डेफिशिएंट डिमांड बोलते हो और इस गैप को डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एडी फॉल्स शॉर्ट, इस बार शॉर्ट रह गया, कम रह गया। पॉइंट एफ इंडिकेट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डेफिशिएंट डिमांड के क्या क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डिक्रीज हो गई है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। डिक्रीज होने का मतलब है कि काफी कम हो गया है, खर्चा नहीं कर रहे आप, आपकी एबिलिटी कम हो गई है। एबिलिटी कम हो गई तो उस सिनेरियो में सबसे पहला डिमांड नहीं होगी। दूसरा इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ा दिए सरकार ने तब भी डिमांड कम होगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिया, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, डिमांड कम होगी। इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, लोग बाहर से ज़्यादा सामान ले रहे हैं तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट कम हो गए हैं, बाहर हमारा सामान नहीं बिक रहा है, डिमांड कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है आउटपुट पे? आउटपुट पे ये प्रभाव पड़ता है कि इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है आपके पास, आपके पास इन्वेंट्री बढ़ जाता है, स्टॉक मेंटेन हो जाता है काफ़ी सारा, क्योंकि बिकता तो है नहीं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है? लोगों को काम नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी जब डिमांड ही नहीं है तो लोगों को जॉब से हटाया जाएगा। भाई एम्प्लॉयर भी कहाँ से पैसा दे जब उसका माल ही नहीं बिक रहा, राइट। और प्राइस लेवल क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, जब माल बिक नहीं रहा तो सस्ती हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, ये इम्पैक्ट आता है। क्या क्या डिफरेंस है जी एक्सीज और डेफिशिएंट डिमांड में? सबसे पहले ये लिख देना पर्टिकुलर मीनिंग, ठीक है, एक में डिमांड ज़्यादा, एक में डिमांड कम, एक से इन्फ्लेशनरी गैप होता है, एक से डिफ्लेशनरी गैप। ये ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट दिखाता है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिखाता है। रीज़न क्या होता है? ज़्यादा खर्चा हो रहा है वहाँ पे, कम खर्चा हो रहा है, इससे आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इन्फ्लेशन होता है। यहाँ पे आउटपुट गिर जाता है, एम्प्लॉयमेंट गिर जाता है, आउटपुट इन्वेंट्री लेवल बढ़ जाता है, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट भी गिर जाता है, इससे इन्फ्लेशन होता है, इससे डिफ्लेशन होता है, ठीक है। अब कैसे ठीक करा जाए इन एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को? सबसे पहले एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए दो पॉलिसीज हैं, फिस्कल पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक की होती है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में क्या करे सरकार एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए? देखो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? एक्सेस डिमांड का मतलब है कि डिमांड ज़्यादा है। डिमांड क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है, बहुत पैसा है जनता के पास, तो इस पैसे को कम करना है। तो सरकार क्या करे? एक तो अपना खर्चा कम करे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करे, कम से कम खर्चा करे, फिलहाल लोगों तक पैसा कम से कम पहुंचाए, ऑलरेडी बहुत पैसा है। टैक्सेस को बढ़ाए, लोगों से पैसा कैसे खींचोगे? टैक्सेस लगाओ, टैक्स लगाओगे तो पैसा आएगा ना। उसके बाद आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई अपने दो रेट्स, जो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स हैं, देखो दो इंटरेस्ट रेट्स कौन से हैं कि अगर कमर्शियल बैंक जैसे पीएनबी, एसबीआई, ये आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है, तो आरबीआई उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है उनसे, तो आरबीआई क्या करे? महंगा कर दे अपने लोन को कि पैसा दे ही ना इन्हें। भाई जब उन्हें पैसा नहीं देगा तो आगे जनता को कम पैसा दे पाएंगे ऑब्वियसली, राइट। तो आरबीआई क्या करता है? अपने दोनों ही रेट्स को बढ़ा देता है, बैंक रेट को भी, रेपो रेट को भी। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहे हो, आप मतलब कमर्शियल बैंक, तो रेपो रेट लगेगा, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो बैंक रेट लगेगा, ठीक है। आरबीआई दोनों ही रेट्स को बढ़ा देता है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, आरबीआई एक सिक्योरिटीज को सेल करता है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज ओपन मार्केट ऑपरेशन में आता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है इस टाइम पे? सिक्योरिटीज बेचता है कि लो सिक्योरिटी खरीद लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो। सिक्योरिटी से क्या होगा? आप सिक्योरिटी खरीद लोगे, पैसा आपसे मेरे पास आ गया सारा, मनी सप्लाई कम हो गया ना आपके पास, परचेजिंग पावर कम हो गया। इंक्रीज इन एलआरआर, एलआरआर बढ़ा देता है। एलआरआर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, एक SLR स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशो। CRR को और SLR को दोनों को बढ़ाया जाता है। कैश रिजर्व क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपये आए, तो 100 में से कुछ परसेंटेज उसे सेंट्रल बैंक के पास रखनी होगी, लाइक सपोज 10%, और कुछ अपने पास रखनी होगी सपोज 10%। तो 100 में से 10% 10% 10 रुपये तो रखे जाएंगे, 80 को वो लोन की फॉर्म में बांट सकता है। अब 80 लोन के फॉर्म में बटेगा तो जनता उससे फिर डिमांड करेगी। तो आरबीआई क्या बोलता है? इन्हें दोनों को बढ़ा दो, इसको भी 20 कर दो, इसको भी 20 कर दो। तो बेसिकली अभी 20 और 20 40 रखे जाएंगे, तो लोन सिर्फ 60 जाएगा। 60 जाएगा जब लोन, तो जनता के पास पैसा कम गया, डिमांड भी कम होगी, है ना। इस तरीके से ये सब बढ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव होता है सबसे पहला एडवाइस टू इंक्रीज द मार्जिन।
आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि आप मार्जिन बढ़ा दो। मार्जिन क्या होता है? अगर कोई लोन लेने के लिए जाता है, फॉर एग्जांपल मैं बैंक में लोन लेने के लिए गया, तो जब मैं बैंक में लोन लेने के लिए जाऊंगा तो वहां पे बैंक मुझे बोलेगा सिक्योरिटी लेके आओ। मैंने कहा 50,000 का लोन चाहिए, बैंक बोलेगा 75,000 की सिक्योरिटी लेके आओ। मैंने कहा यार अब सिक्योरिटी कहाँ से लाऊं 75,000 की, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या होगा जी, आरबीआई बोलता है लोन देना ही नहीं है, मार्जिन और बढ़ा दो। मैं 50,000 का लोन लेने के लिए गया, आरबीआई ने मुझे बैंक ने बोला 1,00,000 रुपये की सिक्योरिटी लाओ। मैंने कहा यार 50,000 के लोन के लिए 1,00,000 की सिक्योरिटी है तो बहुत बड़ी अमाउंट है। उसने बोला लोन चाहिए तो लानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं चाहिए लोन यार, मैं कहाँ से लाऊंगा। तो मार्जिन बढ़ाने से लोन नहीं लिया ना मैंने, मनी सप्लाई नहीं गया इकॉनमी में एक्स्ट्रा, तो डिमांड कम होगी इससे, ठीक है। डिस्करेज लेंडिंग, आरबीआई साफ साफ मना कर देता है कि आपको लेंड नहीं करना, ठीक है। डिस्करेज लेंडिंग में ये बेसिकली मॉरल सुएशन वाला पॉइंट है। मॉरल सुएशन में आरबीआई अपने कमर्शियल बैंक्स को बताता है कि लोन देना है या नहीं देना। देन क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है कि क्रेडिट काफ़ी सेलेक्टिव सेक्टर्स में रेशनली डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, मतलब सोच समझ के क्रेडिट दिया जाए कि कौन से सेक्टर्स को देना है कौन से सेक्टर्स को नहीं देना, क्योंकि सबके बंद नहीं करे जा सकते एकदम से। तो दिस इज़ हाउ एक्सेस डिमांड को आप दूर कर सकते हो। सरकार क्या करेगी, सरकार की फिस्कल पॉलिसी यूज़ करेगी, उसमें याद रखना एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। और मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई की होती है जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। डेफिशिएंट डिमांड इसका जस्ट उल्टा है। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, यहाँ पे डिमांड कम है। डिमांड कम क्यों है, क्योंकि पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो आप कैसे ठीक करोगे, पैसा बढ़ाओ। तो पैसा कैसे बढ़ेगा, सरकार क्या करे, सबसे पहले स्पेंडिंग बढ़ाए, ठीक है, खर्चा बढ़ाए अपना, तभी तो जनता तक पैसा पहुँचेगा। टैक्सेस कम करे, डिक्रीज इन टैक्सेस, या फिर सब्सिडीज बढ़ा दे। सब्सिडीज बढ़ाने का क्या मतलब होता है, बेनिफिट्स दो लोगों को, पैसा पहुंचाओ, ठीक है। आरबीआई क्या करे, ये सारे रेट्स कम कर दे, बैंक रेट कम कर दे, रेपो रेट कम कर दे। रेट कम करने से क्या होगा, जनता को आसानी से पैसा मिलेगा सस्ते रेट्स पे। सिक्योरिटीज़ खरीदो, अब आरबीआई बोलेगा लाओ लाओ सिक्योरिटीज़ हमें दे दो, हम खरीद लेंगे आपको पैसा दे देंगे बढ़िया, तो डिमांड बढ़ा सकते हो आप। एलआरआर कम कर दिया, एलआरआर मतलब सीआरआर भी कम और SLR भी कम, दोनों कम करने से क्या होगा, जनता के पास पैसा ज़्यादा पहुंचेगा, ठीक है। डिक्रीज इन मार्जिन, मार्जिन कम करने का मतलब आसानी से लोन दो। एडवाइस टू एनकरेज लेंडिंग, लेंडिंग को एनकरेज करा जाता है, लोन दिया जाता है। विड्रॉ राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग खत्म, हर सेक्टर को पैसा दो। तो ये था आपके पास वो चीज़ जैसे आप डेफिशिएंट डिमांड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो एक्सेस डिमांड भी बता दिया, डेफिशिएंट डिमांड भी बता दिया, इस तरीके से आप सारा काम करते हो बहुत प्रॉपरली। एक उसके अंदर और पॉइंट आता है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये होता है कि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपनी इच्छा से पैसा डिपॉजिट कराता है, तो आरबीआई इन्हें कितना इंटरेस्ट देगा, इस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो अगर एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड में पैसा नहीं पहुंचाना, हम पैसा नहीं देना चाहते, और तो आरबीआई क्या करता है, इस इंटरेस्ट को बढ़ाता है। आरबीआई बोलता है मैं आपको बहुत इंटरेस्ट दूंगा, फिलहाल आप जमा करो यहाँ पे अपना पैसा, तो इनका सारा पैसा ऑब्जॉर्व कर लेता है, सारा का सारा ऑब्जॉर्व कर लेगा और इंटरेस्ट तो अगले साल देगा ना, है ना। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है कि आप हमें मत दो, आप जनता में दो, जनता में आप ज़्यादा कमा पाओगे। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, और ये था इस पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरा ही चैप्टर समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।